राम राज्य साकार हो उठे। राम राज्य साकार हो उठे, राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार हो कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। चल उठे भाईचारा, गांव गांव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे। भजनों की स्वर धाराएं राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। कलयुग सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो, राम राज हो, राम राज विश्ववंद्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओ
ज्ञातिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां वा देवानागुसख्यमुपसेदि मा वय देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधं अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्त तन्नो वातो मयो भुवातु भेख च तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतघृष्ण्या ध्रुवं तमीशानं जगतस्तस्थु खस्पतिन्धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृथश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामरवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजग्रा Yeah.
शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरम् पुसा महापातकनाशनम् सीता समारोपित यथा वाम भागम पाणु महासाय कचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज ने, सर्वश्री आशुतोष महाराज ने, आदरणीय सज्जनवृंद, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्री राम कथा की स्तुति आस्थायिका में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रभु श्री राम जी का चरित्र बहुत ही विराट और विशाल चरित्र है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विराट चरित्र को हमारे समक्ष रखा रामचरित मानस के रूप में। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस वास्तव में मानस चरित्र राम को हमारे घट में उतारने वाला चरित्र है, वो मानस को राममय कर देने वाला चरित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं, जीवन सूत्र, कि हम प्रभु श्री राम जी से कुछ सीखें और अपने भव बंधनों से मुक्ति को प्राप्त कर लें। ऐसा ये चरित्र है रामचरित मानस। कहते एक बार सूरदास जी प्रभु का गुणगान कर रहे थे तो एक भक्त उनके सामने पहुंच गया। उन्होंने कहा, सूरदास जी आप भी प्रभु की महिमा गाते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी भी प्रभु की महिमा गाते हैं, आप भी बहुत सुंदर रचनाएं लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, तो आप यह बताएं कि आपकी कविताएं श्रेष्ठ हैं या गोस्वामी तुलसीदास जी की। जिस समय उस भक्त ने ऐसा कहा, सूरदास जी मुस्कुरा दिए। आपको क्या लगता है सूरदास जी ने क्या कहा होगा? आपके मन में यह चल रहा होगा कि सूरदास जी ने कहा होगा गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं श्रेष्ठ है। स्वाभाविक तो यही होता है ना। लेकिन सूरदास जी ने जब सुना, उन्होंने कहा तुलसीदास की नहीं, मेरी कविताएं श्रेष्ठ है। अब उन्होंने तुलसीदास जी पर कोई आक्षेप भी नहीं किया और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। ये तो वही बात हो गई, किसी को बुरा मत कहो, स्वयं को अच्छा कह दो, इससे सिद्ध हो जाता है कि दूसरा थोड़ा सा कम है। तो वो भक्त बड़ा चतुर था, उन्होंने कहा, सूरदास जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला अभी मुझे, आप यह बताएं, मान लिया आपकी कविताएं श्रेष्ठ हैं तो आप तुलसीदास जी की कविताओं के विषय में क्या कहना चाहते हैं? जिस समय ऐसा कहा तो सूरदास जी ने कहा, अरे भक्त, क्या आपको लगता है कि तुलसीदास जी की रचनाएं वो कविताएं हैं? वो कविताएं नहीं लिखते हैं, वो महामंत्र लिखते हैं। महामंत्र, ऐसा महामंत्र लिखते हैं कि भव बंधनों को काट देते हैं। और उस समय सूरदास जी ने कहा, महामंत्र मुनि विषय व्याल के भेटत कठिन कुअंक भाल के। उन्होंने कहा, ऐसी रचनाएं लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, वो रचनाएं नहीं हैं, वो महामंत्र हैं, वो जीवन के सूत्र हैं।
जिससे क्या होता है, यदि वो महामंत्र जीवन में आ जाए, वो सूत्र जीवन में आ जाए, तो जीवन बदल जाता है। ऐसी रचनाएं हैं बाबा की, ऐसा लिखते हैं। सच में सोचकर देखिए, रामचरितमानस एक गहरा समुद्र है। गोताखोर बन जाएं, डुबकी लगाएं, गहरा उतरें, और मेरा दावा है आप जितना गहरा उतरते जाएंगे उतना आप डूबते जाएंगे, उतना आप पाते जाएंगे, उतना आप ग्रहण करते जाएंगे। ये ऐसा सागर है, विशाल सागर। यो तो प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र है ना, वो अपने आप में एक पाठशाला है। कैसी पाठशाला? जहां से हम गुण, जहां से हम मर्यादाएं, जहां से हम चरित्र, जहां से हम शुद्ध भावनाएं, ना जाने कितने गुण सीखते हैं। और अगर कोई भक्त एक बार इस पाठशाला में आ जाए तो वो मर्यादाओं के बिना, नियमों के बिना, गुणों के बिना, मानवता के बिना रह ही नहीं सकता है। ऐसा चरित्र है ये, वो रह ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम जी का चरित्र तो मानवीय गुणों से गुथा हुआ चरित्र है सज्जनों। हर एक बार यदि यह चरित्र हमने अपने जीवन चरित्र में गूंथ लिया तो समझ लीजिएगा हम राममय हो गए, हम राममय बन जाएंगे। क्योंकि प्रभु श्री राम जी का संपूर्ण चरित्र एक आदर्श व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है, हमें जीवन जीने की कला ही तो सिखाता है। क्योंकि हम भूल गए हैं जीवन जीना कैसे है, जिंदगी किसे कहते हैं, जीवन का निर्वाह कैसे करना, सब कुछ भूल गए हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जी की कथा हमें पग पग पर इंगित करती है, हमें समझाती है जीना कैसे है, रहना कैसे है। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी महामंत्र लेकर आए हैं, जीवन का महामंत्र, जीवन के सूत्र अपनी कथा के माध्यम से। कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी राक्षसों का वध करते हैं और यज्ञ की रक्षा करने के पश्चात बाबा कहते हैं उसी समय के दौरान कुमकुम पत्रिका आती है और विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को लेकर चल पड़ते हैं जनकपुरी की ओर। और कहते हैं कि जिस समय वो जनकपुरी की ओर गए, महाराज जनक जी को पता चला तो महाराज जनक जी अत्यंत प्रसन्न हुए, अभ्यागत का स्वागत किया और चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे विप्रवर, आपके दर्शन कर आज मैं धन्य धन्य हो गया। आज संपूर्ण जनकपुरी धन्य हो गई क्योंकि आज साक्षात तीर्थ चलकर मेरे जनकपुरी में आ गए हैं, आज मैं धन्य हो गया हूं। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ये वृतांत सुना रहे थे कि महाराज जनक जी ने कहा मेरे राज्य में तो स्वयं तीर्थ चलकर आ गए हैं। एक भक्त सुन रहे थे, उन्होंने कहा, बाबा मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहने में थोड़ी त्रुटि हो गई है, तीर्थ चलकर नहीं आते हैं, हमें तीर्थों के पास चलकर जाना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुझे कहने में त्रुटि नहीं हुई है, आपको समझने में अवश्य हुई है। और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई उच्चरित की, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, कौन से? एक स्थावर और एक जंगम। चलिए थोड़ा सा विचार करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पर। बाबा कहते हैं स्थावर तीर्थ वो होते हैं जो अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं। जैसे हम तीर्थों का भ्रमण करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, और यदि मैं केवल गुजरात की बात करूं तो मैंने कल भी कहा था ये बड़ी पवित्र नगरी है और यहाँ बहुत बड़े बड़े तीर्थ हैं। यदि मैं उन तीर्थों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करूं या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करूं, लोग भक्त दूर दूर से चलकर आते हैं और सोमनाथ में आकर प्रणाम करते हैं, तीर्थाटन करते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जो बंदगी है वो सफल हो गई। ऐसा ही है ना?
लेकिन मेरा एक विचार है, क्या मात्र ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेने से, तीर्थाटन कर लेने से क्या हमारे जीवन का कल्याण संभव है? विचार तो करना पड़ेगा। लेकिन विडंबना यह है कि आज हमारे पवित्र तीर्थ जो हमें आत्मिक स्तर से जोड़ने के लिए बने हैं, जो हमारी आत्मा से सायुज्य कैसे हो ये प्रेरणा देने के लिए बने हैं, लेकिन विडंबना यह रही है कि हमने उनसे प्रेरणाएं नहीं ली हैं, बल्कि वो तीर्थ आज एक पर्यटक क्षेत्र बन गए हैं, पिकनिक स्पॉट। बस हम आते हैं, घूमते हैं, सेल्फीज लेते हैं, अपलोड करते हैं, हो गया हमारा तीर्थ। लेकिन विडंबना यह है कि आज तक कभी किसी ने विचार ही नहीं किया, यदि ये स्थावर तीर्थ बने हैं तो इनके पीछे कोई आध्यात्मिकता, कोई वैज्ञानिकता, कोई संदेश, कोई गहरा सूत्र कुछ तो होगा। हमारे महान ऋषियों ने, हमारे भक्तों ने उनको निर्मित किया है, कुछ तो कारण होगा। चलिए आज इस पवित्र नगरी के तीर्थ का भ्रमण करते हैं, और वो तीर्थ हैं साक्षात सोमनाथ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान पर है। कहते हैं कि हमारे पुराणों में कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की जो पुत्रियां थी उनका विवाह चंद्रदेव के साथ निश्चित कर दिया गया, लेकिन चंद्रदेव का जो प्रेम था, जो मोह था, वो मात्र एक ही राजकुमारी के साथ था, और जो अन्य राजकुमारियां थी वो व्यथित रहती थी, उद्विग्न रहती थी। जिस समय पिता ने अपनी पुत्रियों की ऐसी व्यथा को देखा कि ये सम्मान भी नहीं देता है, अपमानित करता है, तो एक दिन महाराज दक्ष ने समझाने का प्रयास किया चंद्रदेव को, लेकिन चंद्रदेव नहीं माने। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दिन महाराज दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम क्षीण हो जाओ। और उन्होंने वो श्राप दिया, और धीरे धीरे जो चंद्रदेव थे वो क्षीण होने लगे, और उनकी जो शीतलता का वर्षण था वो रुक गया, और पृथ्वी में और त्राही त्राही मच गया। और जिस समय ब्रह्मदेव ने देखा कि चंद्रदेव दयनीय स्थिति में है, तो उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को कहा, आप जाएं और शिवलिंग के समक्ष याचना करें, प्रार्थना करें, तपस्या करें, और भगवान महादेव आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी पुकार को सुनेंगे, कोई मार्ग बताएंगे। और कथा बताती है कि चंद्रदेव ने भगवान शिवलिंग के समक्ष आराधना की, प्रार्थना की, और कुछ समय के पश्चात भगवान आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं उन पर प्रसन्न हो गए। और जिस समय प्रसन्न हुए कहने लगे, हे चंद्रदेव, अब तुम्हारे श्राप के विमोचन का समय आ गया है, लेकिन तुम श्राप से मुक्त भी होंगे, लेकिन दक्ष के वचन भी रहेंगे, इसलिए 15 दिन तुम्हारा क्षीण होता रहेगा और तुम अमावस्या को प्राप्त हो जाओगे गहन अंधकार में, और उसके पश्चात पुनः पूर्ण चंद्रमा में परिलक्षित होंगे, और तब तक मैं तुम्हें अपने स्वयं शीर्ष पर धारण करूंगा। और भगवान महादेव ने उस अर्ध चंद्रमा को अपने शीर्ष पर धारण कर लिया, और तभी से भगवान आशुतोष को चंद्रशेखर कहकर संबोधित किया जाने लगा। कहते हैं कि भगवान चंद्रशेखर जब जाने लगे तो चंद्रदेव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु आप आए हैं तो आप यहां से जाए नहीं, बल्कि आप अपने भक्तों के लिए इसी शिवलिंग में स्थापित हो जाए। इतना सुनना था कि भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिया, और कहते हैं उसी शिवलिंग में वो स्थापित हो गए, और तब से उस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा, सोम अर्थात चंद्रमा। हम देखें संपूर्ण विश्व में, अगर हम दृष्टि घुमाकर देखें तो भगवान महादेव के साकार रूप से कहीं अधिक भगवान के लिंग स्वरूप को पूजा जाता है। एक बार गुरुदेव परम श्रद्धे सर श्री आशुतोष महाराज जी से इसका कारण पूछा तो महाराज जी ने कहा, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म को निराकार रूप में दर्शाया गया है, उसको साकार रूप में प्रत्यक्ष नहीं किया जाता। निराकार ओंकार मूलम तुरियम,
वो ब्रह्म निराकार हैं, इसलिए उनके निराकार स्वरूप को दर्शाता हुआ ये शिवलिंग है। और लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। तो ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या बना? जो उस निराकार ब्रह्म का प्रतीकात्मक स्वरूप है। हम ये कहानी, ये दृष्टांत, ये चर्चा ना जाने जीवन में कितनी बार पढ़ते हैं और कितनी बार सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे की आध्यात्मिकता से अवगत नहीं हो पाते हैं। हमारे शास्त्र और वेद कहते हैं जो चंद्रमा है ये मन का द्योतक है। जिस प्रकार से चंद्रमा क्षीण होता जाता है आसक्तियों में पड़कर, उसे शापित होना पड़ा, इसी प्रकार से हमारे शास्त्र कहते हैं हमारा मन भी आसक्तियों में पड़कर, बंधनों में पड़कर शापित होता है, क्षीणता को प्राप्त करता है, निम्नता को प्राप्त करता चला जाता है। लेकिन प्रश्न यह है, इस कालिमा से युक्त मन की स्थिति को कैसे सुधारा जाए? प्रश्न यह है कि इस मन को सही दिशा कैसे प्रदान की जाए? तो हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे इस मानव देह के शीर्ष पर सहस्त्र दल कमल है, और उस कमल में सोम अर्थात अमृत का वास है। ध्यान योगेन ज्ञान जले राग द्वेष मलापेह। हमारे शास्त्र कहते हैं जब इस सहस्रदल कमल पर हम वास करते हैं और अपने मन को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सहस्रार तक ले लेते हैं, उठा लेते हैं और उस अमृत रस का पान करते हैं, तब सही मायने में हमारा तीर्थ कंप्लीट होता है। हम आत्म तीर्थ में स्नान करने के पश्चात आत्मा के साथ ध्यान की गहराइयों में उतरकर सही मायने में हम अपने पापों से मुक्त हो पाते हैं। ये जितने भी तीर्थ बने हैं ये हमें भीतरी तीर्थ की ओर इंगित कर रहे हैं, क्योंकि वो भीतर जाने का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है। सात खंड का बना मकाना सूक्ष्म मार्ग दुष्कर जाना, गुरु कृपा से चढ़े सुझाना, पीवे अमृत प्याला रे, पीवे अमृत प्याला रे। हमारे महापुरुष कहते हैं ये जो तीर्थ हैं ये अत्यंत सूक्ष्म हैं, ये जो मार्ग है अत्यंत कठिन और दुष्कर मार्ग है, इस मार्ग पर पहुंचने के लिए एक पूर्ण सदगुरु की आवश्यकता है, एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। और जब हमारे जीवन में वो गुरु आते हैं तो वो हमें इस भीतरी तीर्थ में हमारा स्नान करवाते हैं, अमृत रस का पान करवाते हैं, सही मायने में हम पर तीर्थ से महातीर्थ की यात्रा करते हैं। ये तीर्थ हमें समझाना चाहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं तीर्थं परं किं मनो विशुद्धम। आदि गुरु शंकराचार्य जी को कहना पड़ा, उन्होंने कहा ये तीर्थ आपको आत्म तीर्थ की ओर इंगित करते हैं कि जब आप आत्मा के साथ अपना सायुज्य स्थापित करेंगे तो सही मायने में आपका मन तभी शुद्ध और विशुद्ध हो पाएगा। और जब एक भक्त गुरु की कृपा से अपने भीतर के तीर्थ में स्नान करता है, उस सोम रस को प्राप्त करता है, उस अमृत का पान करता है, फिर वो प्रभु की महिमा को गाता है, फिर वो प्रभु का नमन करता है, उसका वंदन करता है, क्योंकि वो कहता मैंने ऐसे प्रभु को देख लिया है, उस महाकाल के ज्योतिर्लिंग स्वरूप को, उस ब्रह्म को अपने भीतर में जान लिया है, ऐसा स्नान मैंने अपने भीतर किया है कि मेरी आत्मा तृप्त हो चुकी है, मेरा मन शुद्ध हो चुका है। फिर वो महिमा गाता है भगवान महादेव की, फिर वो महिमा गाता है भगवान महाकाल की, भगवान आशुतोष के चरणों में फिर वंदन करता हुआ यही कहता है जय सोमनाथ, जय विश्वेश्वर, जय महाकाल, जय विश्वेश्वर, फिर वो महिमा गाता है। तो आइए, हम इस पवित्र भूमि पर बैठे हैं और गुजरात की इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान महादेव का स्मरण ना करें, सोमनाथ का आराधन ना करें तो ऐसे कैसे हो सकता है? आपके मुख की मुस्कुराहट बता रही है कि आप स्वयं भगवान सोमनाथ को भीतर से जानने की तड़प रखते हैं, और ये तड़प शांत करने ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ये कथा आपके मध्य उपस्थित हुई है। आइए भगवान महादेव का स्मरण करते हैं और जय सोमनाथ का उद्घोष लगाते हैं।
आइए उसी महिमा का आनंद लेते हैं। बोलिए सोमनाथ महाराज की, भोलेनाथ महाकाल की। आइए प्रभु भक्तों, हम सभी मिलकर प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं। आइए सभी मिलकर। जय महादेव, हे भोलेनाथ महाकाल, गिरिराज किशोरी जटा बीच तेरे जगमग सोहे चंद्रभा। सब शुद्ध हुए जो गंगधार से, कंठ में है सर्पों की मार। तांडव प्रचंड शिव शिव शंभु, डम 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 रोकी है तार। सृष्टि का शिव शंभु तू ही आधार है। जय सोमनाथ, जय महादेव, हे भोलेनाथ, जय महाकाल, गिरिराज किशोरी जटा बीच तेरे जगमग सोहे चंद्रभा। शुद्ध हुए जो गंगाधार से, कंठ में है सर्पों की माल। तांडव प्रचंड शिव शंभु, डम 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 रूकी है ताल। शुद्ध हुए जो गंगाधार से, कंठ में है सर्पों की माल। तांडव प्रचंड शिव शंभु, डम 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 रूकी है ताल। शुद्ध हुए जो गंगधार से, कंठ में है सर्पों की माल। तांडव प्रचंड शिव शंभु, डम 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 रूकी है ताल। तेरा नयन खुले जब जब ललाट, त्राही त्राही करती धरती, हो जाती है दिन में रात। सब नाग फणों को फैलाते हैं, पशुपति है भोलेनाथ। कामदेव भी भस्म हुआ न सह पाया तेरे क्रोध कथा। देवों के देव तेरी महिमा अपार है, तू ही निराकार तू ही साकार है। तू ही बनाने वाला तू ही मिटाने वाला, सृष्टि का शिव शंभु तू ही आधार है। जय सोमनाथ, जय महादेव, हे भोलेनाथ, जय महाकाल, गिरिराज किशोरी जटा बीच तेरे जगमग सोहे चंद्रभा। शुद्ध हुए जो गंगधार से, कंठ में है सर्पों की माल। तांडव प्रचंड शिव शंभु, डम 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 रूकी है ताल। शुद्ध हुए जो गंगधार से, कंठ में है सर्पों प्रचंड शिव शंभु, डम 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 रूकी है ताल। शुद्ध हुए जो गंगधार से, कंठ में है सर्पों की माल। तांडव प्रचंड शिव शंभु, डम 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 रूकी है ताल। स्वामी तू नरमूद बैठा पर्वत पर, देख रहा सब अंतर्यामी। हे गंगधर नीलकंठ सोमनाथ महाराज जी, जिसने बम 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 गाया हो गए भव से पार जी। भोले की मस्ती न्यारी चढ़ गई, सो चढ़ गई चढ़ गई। दिल से जिसने बम बम गाया ना उसकी भव से तर गई। दिल से जिसने हर हर गाया ना उसकी भव से तर गई। दिल से जिसने बम बम गाया ना उसकी भव से तर गई। बम 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 बोले,
बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले शुद्ध हुए जो गंगधार से कंठ में है सर्पों की मालता डम प्रचंड शिव शिव शंभू डम 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 रूकी है ता स्थूल तीर्थ हमें आत्म तीर्थ की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये तो स्थावर तीर्थ हैं जहाँ पर चलकर जाते हैं, लेकिन दूसरे होते हैं जंगम तीर्थ, और वो हमारे संत होते हैं जिनके पास नहीं जो स्वयं हमारे पास चलकर आते हैं और हमें भक्ति का दान दे देते हैं, हमें आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुनि विश्वामित्र जी भी जंगम तीर्थ हैं और जो स्वयं जनकपुरी को धन्य करने के लिए पहुंच गए हैं। मुनिवर को प्रणाम किया और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रातः होते ही प्रभु श्री राम जी मुनि से प्रणाम करते हुए अनुमति लेते हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम वाटिका का भ्रमण कराएं और पुष्पों को चुन लाएं। तो गुरु की आज्ञा को पाकर प्रभु श्री राम चल पड़ते हैं वाटिका की ओर, जनकपुरी की वाटिका की ओर। कहते हैं कि जनकपुरी की वाटिका के द्वार पर जाकर प्रभु खड़े हो गए और प्रभु कभी दाएं देख रहे हैं कभी बाएं देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जिस समय प्रभु श्री राम जी को ऐसा करते हुए कुछ खोजते हुए देखा तो उन्होंने कहा प्रभु आप क्या देख रहे हैं। तो प्रभु ने कहा लक्ष्मण मैं देख रहा हूं कि कोई मुझे दिख जाए और हम भीतर प्रवेश करें अनुमति लेने के पश्चात। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु का व्यक्तित्व देखिए, वहां पर द्वार पर कोई नहीं है लेकिन इंतजार कर रहे हैं खोज रहे हैं कि कोई दिख जाए और हम भीतर प्रवेश करें। लेकिन मानव की क्या प्रवृत्ति होती है, वो भी दाएं और बाएं दोनों तरफ देखता है, देखता है ना। वो भी जब कहीं जाता है पहले दाएं देखता है बाएं देखता है, वो सोचता है कोई देख तो नहीं रहा मुझे, मैं भीतर चला जाऊं। लेकिन आज प्रभु श्री राम जी गुणों से परिपूर्ण है, वो कहते कोई दिख जाए मैं अनुमति लेकर भीतर प्रवेश करूं। तभी उनकी दृष्टि माली बाबा पर पड़ी और कहने लगे प्रभु बाबा अगर आपकी अनुमति हो तो हम वाटिका में भीतर प्रवेश कर लें। जिस समय माली बाबा ने सुना उन्होंने कहा आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी थोड़े क्रुद्ध हो गए, उन्होंने कहा क्यों हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, हमें कौन रोकेगा। तो उन्होंने कहा भीतर आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके जो चरण है ना वो अत्यंत कोमल है, इसलिए आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। जिस समय लक्ष्मण जी ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा क्यों भीतर बहुत सारे कांटे और कंकर पत्थर हैं। उन्होंने कहा नहीं भीतर तो पुष्प ही पुष्प हैं। तो उन्होंने कहा पुष्पों से प्रभु के चरण जख्मी नहीं हो सकते हैं। तो माली ने कहा कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, और जिन कर कमलों से वो कोमल चरणों को दबाती हैं वो चरण कितने कोमल होंगे, इसलिए कोमल चरणों को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है, ये भीतर नहीं जा सकते कहीं इनको कष्ट ना हो जाए। तो प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे बाबा हमें तो भीतर जाने की अनुमति दे। उन्होंने कहा नहीं आप मुझे अनुमति दे मैं स्वयं पुष्प चुन लाता हूँ। तो प्रभु ने कहा ये तो सेवा है जिसे हम स्वयं करना चाहते हैं। तो माली बाबा ने कहा भीतर की तो सारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए पूछा भीतर कैसे अव्यवस्थित हो जाएगी। तो उन्होंने कहा प्रभु जितने भी भंवरे हैं ना वो पुष्पों पर मंडराना छोड़ देंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कैसे छोड़ देंगे, वो तो कमल पर मंडराएंगे। उन्होंने कहा जब एक साथ इतने कमल हों, कर कमल हों, नयन कमल हों, चरण कमल हों, इतने कमल एक साथ हों तो वो भंवरे उन कमलों की तरफ क्यों जाएंगे, वो तो इनके नयन कमल का दर्शन करेंगे। तो प्रभु अपने भक्त की बात को सुनकर मुस्कुरा दिए, कहने लगे
भक्तराज भीतर तो जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपकी चरण धूलि में कोई जादू टोना है, जिसको भी छू जाती है उसमें से ऋषि पत्नी पैदा हो जाती है, तो आपको भीतर कैसे जाने दें। और लक्ष्मण जी तो तार्किक स्वभाव के हैं, बीच में कूद पड़े। कहने लगे, माली बाबा इतना भी नहीं पता, चरणों से थोड़ी फूल तोड़ेंगे, वो तो हाथों से तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, अरे लक्ष्मण जी, अरे राजकुमार सुनिए तो सही, अरे जिनके चरण कमलों में इतना प्रताप है उनके कर कमलों में कितना प्रताप होगा, तो बताओ इनको भीतर कैसे जाने दें। प्रभु मीठा जो संवाद हो रहा है वो सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। कहने लगे, बाबा कोई तो मार्ग होगा। तो बाबा ने कहा, क्यों नहीं होगा, एक ही मार्ग है। आप इस वाटिका में तभी प्रवेश कर सकते हैं अगर आप सिया जी की जय बोलें। तो जिस समय लक्ष्मण जी ने सुना, उन्होंने कहा, प्रभु आप बोल दीजिए सिया जी की जय। तो प्रभु मुस्कुरा दिए और मन ही मन बोले सिया जी की जय, और लक्ष्मण जी उद्घोष करते हुए वाटिका में भीतर प्रवेश कर गए। बाबा कहते हैं, इधर प्रभु ने स्मरण किया श्री जानकी जी का और उधर वाटिका में श्री जानकी जी का आगमन हो गया। श्री जानकी जी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए बढ़ गई। आरती का थाल हाथ में है, माँ का पूजन करने के लिए आगे बढ़ रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी यहीं से प्रारंभ करते हैं श्री जानकी जी का चरित्र। वो बताते हैं श्री जानकी जी के विषय में, प्रभु श्री राम जी की लीला सहचरी हैं श्री जानकी जी, भोग और योग को साधने वाले महाराज जनक की पुत्री हैं श्री जानकी जी, श्री जानकी जी विदुषी हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री जानकी जी वीरांगना हैं। आपको थोड़ी सी हैरानी हुई, चलिए आपको आज श्री जानकी जी के वीरांगना स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। आनंद रामायण में वर्णन आता है बड़ा सुंदर, कहते जिस समय राम राज्य अभिषेक हो चुका था और एक दिन प्रभु श्री राम आसन पर आरूढ़ थे, तभी विभीषण जी गुहार लगाते हुए पहुंच गए सभा के बीचों बीच। जिस समय सभा के बीचों बीच पहुंचे, प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारी रक्षा करें, लंका पर आक्रमण हो गया है। तो प्रभु ने कहा, विभीषण रावण का तो अंत हो चुका है, अब किसने आक्रमण कर दिया। तो उन्होंने कहा, मूलकासुर नामक राक्षस ने आक्रमण कर दिया है, जो कुंभकर्ण का पुत्र है। कहते कि जिस समय कुंभकर्ण का पुत्र पैदा हुआ और कुंभकर्ण ने उसे जंगल में छोड़ दिया और मधुमक्खियों ने उसे पाला है, अपने शहद को चटाकर उसे खिलाकर उसका पालन लालन पालन किया है, और अब वो बड़ा हो गया है। जिस समय उसने देखा कि मेरे पूर्वजों का विनाश हो गया है, वो प्रतिशोध लेने के लिए आज लंका में आ चुका है। मैंने बहुत युद्ध किया लेकिन वो राक्षस का अंत नहीं हो पा रहा है, आप कुछ करें। कहते जिस समय प्रभु श्री राम जी ने ऐसा सुना, सेना को लेकर चल पड़ते हैं लंका की ओर और आक्रमण कर देते हैं। आनंद रामायण में वर्णन आता है कि 7 दिन तक युद्ध चलता रहा लेकिन वो राक्षस की मृत्यु नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु वो ये राक्षस ऐसे मरने वाला नहीं है, इसे तो वरदान प्राप्त है, ये तो किसी स्त्री के हाथों ही मरेगा। तो जिस समय प्रभु श्री राम जी ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जाओ हनुमान मेरा संदेश दो श्री जानकी जी को, वो रणभूमि में आए और मूलकासुर का अंत करे। कहते हैं कि जिस समय श्री जानकी जी को ऐसा संदेश मिला, श्री जानकी जी अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्रों को धारण कर पहुंच गई युद्ध भूमि के मैदान में। जिस समय युद्ध भूमि के मैदान में पहुंची और श्री जानकी जी आज उस राक्षस का अंत करने के लिए आतुर हो उठी, अपने बाणों का संधान कर रही है, जिस समय मूलकासुर ने देखा एक स्त्री, और मैं स्त्री के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा, हे देवी तुम कौन हो और यहाँ युद्ध करने क्यों आई हो, मुझे तुमसे युद्ध नहीं करना है। श्री जानकी जी ने कहा, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे कुल का विनाश कर दिया है और आज मैं तुम्हारा विनाश करने के लिए आई हूँ। और श्री जानकी जी ने अग्नि बाण ब्रह्म बाण दिव्य तेज अस्त्रों का संधान किया, और जैसे ही अस्त्रों का संधान किया मूलकासुर के रथ को ध्वस्त कर दिया श्री जानकी जी ने। जिस समय मूलकासुर का रथ ध्वस्त हुआ,
और उसी समय श्री जानकी जी ने एक अग्नि बाण का संधान किया और मूर्खासुर के प्राणों का हरण कर लिया। और आनंद रामायण में वर्णन आता है, जिस समय श्री जानकी जी ने मूर्खासुर का अंत किया, समस्त देवी देवता उनका वंदन करने लगे, उनकी महिमा का गान करने लगे। बाबा कहते हैं श्री जानकी जी अत्यंत वीरांगना हैं, जिसके भीतर में अनंत शक्तियां हैं। कल भी हमने सुना माँ काली ने जो सौम्य रूप से माँ चंडिका का रूप धारण कर लिया, और आज श्री जानकी जी भी स्वयं साक्षात काल रात्रि बनकर राक्षसों का अंत करने के लिए युद्ध के मैदान में आ गई। हमने ना जाने ऐसी कितनी कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन क्या ये शक्ति केवल माँ काली के पास है? क्या ये शक्ति केवल श्री जानकी जी के पास है? नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं प्रत्येक नारी के भीतर में दो रूप होते हैं, एक सौम्य और दूसरा रुद्र रूप, चंडिका का रूप। यदि आप वो स्नेह भी बहुत देती हैं और जब अपराधी को देखती है तो वो दंड भी उतना ही देती है, इतनी शक्ति होती है। लेकिन विडंबना यह है कि आज नारी अपनी ही शक्ति को भूल चुकी है कि उसके भीतर में कौन से गुण हैं। कहते हैं कि कुछ पुरुष प्रधान बुद्धि वाले लोग जो हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों ने इतना प्रचार किया, मनगढ़ंत प्रचार किया कि हे नारी तू तो अबला है, तुम्हारा अस्तित्व पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है, यदि पुरुष है तो तेरा अस्तित्व है, पुरुष के बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। इतना प्रचार, इतनी भ्रांतियां फैलाई कि समाज के साथ साथ एक दिन नारी को भी ऐसे लगने लग गया कि उसका अस्तित्व पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है, उसमें के तो भीतर योग्यता और शक्ति ही नहीं है। वो कहते हैं ना, एक झूठ को जब बार 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 दोहराया जाता है तो क्या होता है, वो सच प्रतीत होने लग जाता है। और ऐसे ही नारी जाति के समक्ष भी यही दुविधा खड़ी हो गई। इतना दोहराया गया, इतना बताया गया, इतना प्रचार हुआ कि नारी स्वयं अपनी शक्ति को विस्मृत कर बैठी। आज के युग में भी नारी को बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। समस्याएं अनंत हैं सज्जनों, लेकिन समाधान खोजना पड़ेगा। गुरुदेव परम श्रद्धे सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, समस्याओं पर चर्चा करने से समस्याओं का अंत नहीं होगा, समस्याओं का समाधान खोजना पड़ेगा। और जिस दिन समाधान मिल गया, समस्याएं अपने आप जड़ से उखड़कर खत्म हो जाएंगी। समस्याएं समाधान खोजें। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते हैं, यदि नारी को अपनी नियति के अंधेरे से निकलना है तो उसे अपने आत्मबल का आह्वान करना होगा, उसे अपनी आत्मा को जागृत करना होगा, उसे स्व की अनुभूति करनी होगी, और यही नारी की सशक्तिकरण है, यही उसकी शक्ति का जागरण है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, नारी के भीतर में अथाह शक्ति छिपी हुई है, लेकिन वो अपनी शक्ति को पहचानती नहीं है, वो अपनी शक्ति से विस्मृत हो चुकी है, इसलिए उसे आत्मबल की आवश्यकता है। और जो आत्मबल उसे केवल और केवल अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कहा ब्रह्म तेजो बलम बलम, सबसे श्रेष्ठ बल आत्मबल होता है, ज्ञान बल होता है, और आज नारी को उसी आत्मज्ञान से जोड़ने की आवश्यकता है। और हमारे पुरातन समय में नारियां इसी आत्मज्ञान, इसी ब्रह्म बल के बल पर ही बड़ी बड़ी समस्याओं से निकल गई, और बड़े 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 ज्वार भाटाओं से भी उन्हें स्थिर रहना आ गया। ये ब्रह्म ज्ञान में इतनी शक्ति है। एक विद्वान ने बहुत सुंदर बात कही, उन्होंने कहा कि जितने भी ये उत्साह है, स्वाभिमान है, जज्बा है, ये तो व्यक्तित्व के तारे हैं। जब ये तारे टिमटिमाते हैं तो क्या होता है, रोशनी होती है, लेकिन अंधकार समाप्त नहीं होता। लेकिन जो आत्मबल है वो क्या है, वो हमारे व्यक्तित्व का सूर्य है सज्जनों, सूर्य। और जब सूर्य चमकता है तो अंधकार को वो ग्रस लेता है। इसी प्रकार से चाहे हम राजनीतिक सशक्तिकरण पर जोर दें या सामाजिक हो, आर्थिक हो, लेकिन
जब तक नारी को भीतर से जागृत नहीं करेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और यही कारण है गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमारा एक प्रकल्प चलाया जाता है जिसका नाम है संतुलन, जिसमें मात्र नारियों को संदेश ही नहीं दिया जाता, उन्हें वो आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो बल प्रदान किया जाता है जिससे वे स्वयं का भी उत्थान कर सकें और समाज को भी बदल सकें। क्योंकि महर्षि कहते हैं ऐसी जागृत नारियां मात्र नारी जाति का उत्थान नहीं करेंगी, ऐसी जागृत नारियां संपूर्ण विश्व का निर्माण करने का साहस रखती हैं, संपूर्ण विश्व को बदलने का साहस रखती हैं। इसलिए नारियों को जागृत करने की आवश्यकता है, महर्षि कहते हैं उन्हें आत्मज्ञान देने की आवश्यकता है, फिर वो ऐसी सकारात्मक होंगी कि संपूर्ण विश्व का निर्माण उनके हाथों से होगा, संपूर्ण विश्व का निर्माण। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला समस्त नारी जाति को जगाता हुआ एक ही उद्घोष करने आया है, हे नारी तू अबला नहीं है, तुम में अथाह शक्ति है, तू अंबा है, तू अंबिका है, तू अंबालिका है, तू क्या नहीं कर सकती? तू मात्र एक घर को संभालने वाली नारी नहीं है, तू संपूर्ण विश्व को संभालने वाली नारी है, तुम में इतनी शक्ति है, अथाह शक्ति है। इसलिए नारी तू नारायणी, हे नारी तू नारायणी। आइए ऐसे ही दिव्य उद्घोष को हम श्रवण करते हैं। झांसी की रानी
खुद को नारी, तू तो जगतारिणी। हे जग जननी जगदम्बिका, नारी हे नारायणी। हेलो, भारतीय संस्कृतिनी परंपरा मुजब आपणे आजे दीप प्रज्वलननी विधिने संपन्न करीशुं, तो तेने माटे आग्रह करीशुं आजना मुख्य यजमान श्रीओने के श्री बहन श्रीमती पुष्पा बिंदल जी चिड़ीपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड अहमदाबाद थी, श्री ढालूराम मंगलानी जी मणिनगर थी, श्रीमती प्रतिमा सिन्हाजी गांधीनगर थी। आ मुख्य यजमान श्रीओने निवेदन के तेओ आगळ दीप प्रज्वलननी विधिने संपन्न करवा माटे स्टेज पासे आवे, साथे साथे आजना उत्सव यजमान छे श्री भरतकुमार गुलाबदास ब्रोकर, अग्रणी वेपारी छे सरदारनगर थी, श्री चतुरभाई मकाभाई सोलंकी पाटण थी, श्री विनोद कुमार मीणाजी सरसपुरथी। आजना दैनिक यजमान स्त्रीओ छे श्री प्रकाश मंगलानी जी नोबलनगर थी, श्रीमती मल्लिका माला मोटेरा, श्रीमती सुचि रावत जामनगर थी। तेमज आजना अतिथि गणमान्य विशेष स्त्रीओ छे श्री गोपीराम गुप्ता जी चेयरमैन नारायणी हाइट्स, श्री दिलीप कुमार केशवलाल पबानी जी नारणपुरा थी, श्री वजूभाई वगासिया जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, श्रीमती संगीता अग्रवाल जी ग्लोबल ग्रुप तरफी। आ बधा ज अग्रगणी सीओने निवेदन के तेओ आगळ आवीने दीप प्रज्वलननी विधिने संपन्न करे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, सच्चे दरबार की। और आज श्री जानकी जी का वक्तित्व हमें उसी नारायणी स्वरूप से अवगत करवा रहा है कि हमारे भीतर में कितनी अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। आज स्वयं लक्ष्मी माँ गौरी का पूजन करने के लिए बढ़ रही हैं। यूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ के नव रूप हैं। श्री जानकी जी गौरी मंदिर में जा रही हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी व्याख्यान देते हुए कहते हैं यूं तो माता के नव रूपों का जो वर्णन है वो हमारे शास्त्रों में आता है और जिनकी पूजा हम नवरात्र के दिनों में करते हैं। नवरात्र में हम धूमधाम से माँ की आराधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उस समय ऐसा लगता है जैसे समूचा भारत जो है ना वो मातृमय हो गया हो। भक्तों की लंबी लंबी कतारें, माताओं के जयघोष, माताओं का स्मरण, माँ का कीर्तन, ऐसे प्रतीत होता है जैसे मानो धमनियों में भक्ति की रक्तधार उबाल मार रही हो। हम प्रसन्न होते हैं और गुजरात में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में माँ की आराधना होती है, नवरात्र मनाए जाते हैं,
उत्सव मनाए जाते हैं, गरबा होता है, हम उनमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन विचारणीय बात यह है कि हम हर वर्ष नवरात्र मनाते हैं, लेकिन नवरात्र के अर्थ को, उसकी गहराई को अभी तक समझ नहीं पाए हैं सज्जनों। हम जिस नवरात्र के दिनों में अपना तन, अपना मन, अपना धन अर्पित करते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनके पीछे का रहस्य क्या है? ये नवरात्र हमें क्या समझाना चाहते हैं? इसकी आध्यात्मिकता, इसकी वैज्ञानिकता कुछ तो रही होगी। हमारे शास्त्र कहते हैं नवरात्र अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत हैं जो जीवन जीने का सूत्र देने आते हैं। और यदि हम देखें तो साल में दो बार नवरात्र आते हैं और दोनों बार जो प्रकृति होती हैं वो पूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही होती हैं। और आरोग्य शास्त्र में वर्णन आता है कि उस समय जो रोग हैं, चाहे वो महामारी है, खांसी है, जुकाम है, बहुत सारी व्याधियां हैं ना, उनके होने की संभावनाएं बनी रहती है। और इस बात को हमारे उच्च कोटि के ऋषि जो हैं, वैज्ञानिक ऋषि, वो पहले से ही जानते थे। यही कारण है कि उन्होंने व्रत का प्रावधान बनाया, स्वल्प आहार का प्रावधान बनाया कि हम सुपाच्य खाएं, कम खाएं, जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। आज के वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि करते हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि मात्र भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में प्रकृति परिवर्तन के दौर से जब गुजरती है, उस समय प्रत्येक व्यक्ति को अपने खान और पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा, मैं हैरान हूँ कि भारत भूमि पर ऐसे वैज्ञानिक ऋषि हुए हैं, ऐसे उच्च कोटि के ऋषि, जिन्होंने व्रत का प्रावधान बनाकर संपूर्ण मानव जाति का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने ये बात बहुत वर्ष पहले कह दी। वो प्रभावित होते हैं और हमारी संस्कृति से वैज्ञानिक, पाश्चात्य संस्कृति के विद्वान सीखते हैं। और हमारी विडंबना है, हम अपनी ही भारतीय संस्कृति से कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं एस वर्मा, उन्होंने कहा कि जिस समय प्रकृति परिवर्तन के दौर से गुजरती है, उस समय जब हम ध्यान करते हैं, उपवास करते हैं, तो उसका सिर्फ तन पर नहीं, हमारे मन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने उस समय ध्यान के प्रावधान को हमारे समक्ष में रखा। लेकिन यदि हम नवरात्रों की आध्यात्मिकता की ओर विचार करें तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस दौरान माँ ने महिषुर नामक राक्षस का अंत करने के लिए 9 दिन तक युद्ध किया और 10th दिन उसका अंत कर दिया। और उसके पश्चात हम ये नवरात्र बनाते हैं, एक एक युद्ध एक एक दिन का प्रतीक है। तो क्या कभी आपने विचार किया ये नवमी, ये जो 9 दिन हैं, इसका कौन सा गहरा सूत्र हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है? हमारे महापुरुष कहते हैं हमारे भीतर भी कुंठाओं से, विकृतियों से, मन के द्वारा उत्पन्न वृत्तियां जो हैं वो महिषसुर हैं, जो हमारे भीतर में गहरी बैठी हुई हैं और इन 9 इंद्रियों के माध्यम से भीतर प्रवेश करती हैं। और इन 9 इंद्रियों के माध्यम से ही हम बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं, बाहरी दुनिया के लिए आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं इसी देह में 10th द्वार पर वो माँ चैतन्य शक्ति, वो ब्रह्म स्वरूपिणी यहाँ वास करती है। और जिस समय हम गुरु की कृपा से अपने भीतर उतरेंगे, उस आत्म तत्व को जागृत करेंगे, सुषुप्त आत्मा को प्रकटीकरण होगा, उसके पश्चात हमारे भीतर में जो बैठे हुए विकार हैं, वासनाएं हैं, वैमनस्य हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, धीरे धीरे उनका अंत होता जाएगा। वास्तव में ये नवरात्र साधक की साधना पथ की यात्रा है, जो एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता हुआ साधक ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यहाँ भ्रिकुटी के मध्य उस ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाता है। और यही वास्तव में विजय दशमी है। हम बहुत मनाते हैं और गुजरात में तो खासकर गरबा को बहुत महत्व दिया जाता है। हम नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गरबा क्यों मनाते हैं? हम गरबा खेलते हैं, गरबा मनाते हैं, लेकिन गरबा के गूढ़ तत्व को नहीं समझते। हम गरबा कैसे खेलते हैं? हम गरबा खेलते हैं सर्कल में,
खेलते हैं ना, और उस सर्कल के बीचों बीच हम क्या रखते हैं, गर्भ दीप रखते हैं, जिसमें एक दीप प्रज्वलित होता है, जल रहा होता है। तो जिस समय हम सर्कल में घूमते हैं, वास्तव में ये सर्कल हमारी 84 लाख योनियों का सर्कल है। वृत्त में हम घूमते रहते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन एक तत्व है जो सदैव स्थिर बिंदु है, जो स्थिर रहता है, वो है गर्भदीप, वो ज्योति, वो प्रकाश, जिसे हम ब्रह्म स्वरूपिणी माँ कह ले या ब्रह्म प्रकाश तत्व कह ले, वो स्थिर रहता है। और ये गर्भा बाहर खेलने का विषय ही नहीं है, ये भीतर उतरने का भी विषय है। जब हम उस स्थिर गर्भ दीप को अपने भीतर में जान लेंगे, उस चैतन्य शक्ति को जान लेंगे, तो जो वृत्त है ना, जो सर्कल में हम जन्म मृत्यु के घूमते रहते हैं, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। फिर हम भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, ज्ञान भाव से, आनंद भाव से उस माँ को रिझाने के लिए फिर नृत्य करेंगे, फिर माँ को रिझाने के लिए स्तुति करेंगे। ये परम अवस्था है सज्जनों, ये परम अवस्था है। और इस पवित्र भूमि पर माँ के अनन्य भक्त बैठे हैं, क्योंकि गुजरात में आए हैं और गुजरात का लोक नृत्य गरबा है। जब गरबा खेला जाता है तो माँ को याद किया जाता है, माँ को स्मरण किया जाता है, उसका वंदन किया जाता है। आए हम भी इस पवित्र भूमि में माँ का स्मरण करते हुए कहे, माँ कहीं ऐसा ना हो नवरात्र आए और चले जाएं, लेकिन हम आपके तत्व स्वरूप से अनभिज्ञ रह जाएं। हे माँ, हम पर इतनी दया करो कि आपको तत्व से जानकर, आपको भीतर से जानकर, भीतर उतरकर फिर हम आनंद से गरबा खेलें, फिर हम आपको याद करें, फिर अपनी भक्ति की शुरुआत करें। आइए सभी मिलकर माँ का आराधन करते हैं, माँ का चिंतन करते हैं और उनके चरणों में बारंबार नमन करते हैं। और कैसे करना है, आइए एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। आइए
हे महारानी तू ही भवानी मन चाहा वर देती कष्ट मिटाती दया लुटाती दुख सभी हर लेती माता दुख सभी हर लेती भटकों को तू ममता अपनी देती सबको ही तू अपनाती है सबको शरण में लेती माता सबको शरण में लेती माता सबको शरण में लेती माता सबको शरण में लेती तो सबको आनंद बांटने आती है और सबको आनंद से जोड़ देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज श्री जानकी जी भी माँ गौरी का आराधन करने के लिए चल पड़ी गौरी पूजन के लिए मंदिर की ओर और मंदिर में जाकर गौरी माँ का पूजन किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसी समय के दौरान श्री जानकी जी की सखी पुष्पों को चुनने के लिए जिस समय जाती है तो वो प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर लेती है और दौड़ी चली आती है प्रभु का महिमा गान सुनाने के लिए कि आओ मैं आपको प्रभु राम से मिला देती हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से वाटिका में श्री जानकी जी और प्रभु श्री राम जी की प्रथम भेंट होती है और प्रथम भेंट करने के पश्चात श्री जानकी जी पुनः अपने राजमहल की ओर प्रयाण करती है और इधर प्रभु श्री राम जी पुष्पों को चुनते हैं और पहुंच जाते हैं अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों की सेवा की, पूजा अर्चना की। और गुरुदेव उसी समय आदेश देते हैं, चलो राम अब हम उस दिशा की ओर बढ़ते हैं जहाँ भगवान महादेव का विशाल धनुष पड़ा है। और इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ चल पड़ते हैं यज्ञ भूमि की ओर जहाँ पर भगवान महादेव का धनुष पड़ा है। बाबा कहते हैं यूं तो उस धनुष भूमि में बहुत बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मुनि, ऋषि, देवगण, राक्षस, किन्नर, नाग सब अपना अपना रूप बदल कर वहाँ पर बैठे हैं क्योंकि सभी श्री जानकी जी को प्राप्त करना चाहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जिस समय समस्त राजा लोग उस सभा में विद्यमान है, महाराज जनक जी घोषणा करते हैं कि जो श्री जानकी जी को पाना चाहता है उसे भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी होगी, तभी श्री जानकी जी को प्राप्त कर सकते हैं। और इधर जैसे ही ऐसी घोषणा हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जितने भी बड़े बड़े महारथी थे एक एक कर उठने लग गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि सबसे बड़ी भूल जो राजाओं से हुई वो यह हुई कि वो सबसे पहले उठे और उसके पश्चात उन्होंने भगवान अपने ईष्ट का स्मरण किया, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले ईष्ट का स्मरण होना चाहिए और फिर उठना चाहिए था। लेकिन जैसे ही एक एक कर बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बढ़ने लगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बड़ी दूर की बात है, कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पा रहा। तो एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, ऐसा क्यों बाबा, सभी तो भगवान के आगे आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु धनुष टूट जाए, प्रभु धनुष टूट जाए, इतनी प्रार्थनाएं, इतनी आराधनाओं के बाद भी धनुष क्यों नहीं टूटा। तो बड़ी अच्छी बात बताते हैं बाबा, उन्होंने कहा सारे ही तो प्रार्थना कर रहे थे, मान लीजिए उस सभा में 100 राजा लोग बैठे हैं और एक धनुष तोड़ने के लिए उठा है और उसने कहा हे महादेव, हे ईश्वर, ये धनुष टूट जाए और मुझसे ही टूट जाए,
लेकिन जो 99 पीछे बैठे हैं वो भी प्रार्थना ही कर रहे हैं, और वो प्रार्थना करते हुए क्या कह रहे हैं, हे प्रभु इससे नहीं टूटे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तो भगवान के लिए तो समस्या हो गई, सभी प्रार्थना कर रहे हैं, और जब वो एक से नहीं टूटता तो वो क्या करता है, वो भी वापस लौट आता है, वो भी फिर बैठ जाता है वहां पर, और जब दूसरा उठता है, महादेव धनुष टूट जाए मुझसे, तो बाकी सब प्रार्थना करते हैं प्रभु इससे ना टूटे, क्योंकि अगर इससे टूट गया तो हमारी वीरता तो धरी की धरी रह जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तो भगवान क्या करते, इसीलिए सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो धनुष किसी से भी नहीं टूटा। और जिस समय धनुष किसी से भी नहीं टूटा तो राजाओं को क्रोध आ गया, उनको लगा ये तो हमारी वीरता को ललकारना हुआ, और उसी समय सारे वीर इकट्ठे हो जाते हैं और प्रण लेते हैं कि हम मिलकर इस धनुष को तोड़ेंगे। बाभा कहते हैं मूर्खों से कोई पूछे आप सभी मिलकर इकट्ठे होकर धनुष तोड़ भी दोगे तो जानकी जी तो किसी एक को ही मिलेगी ना। तो कहते जब किसी ने पूछा अरे तुम सारे मिलकर धनुष तोड़ना चाहते हो तो फिर जानकी किसे मिलेगी, तो उसने कहा एक बार धनुष टूट जाए उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे, जो बचेगा जानकी उसे मिल जाएगी। सारे इकट्ठे होकर भगवान महादेव के धनुष को पकड़ लिया, और बाबा कहते हैं सहस्त्र राजा एक साथ इकट्ठे होकर धनुष को हिलाने का प्रयास करने लगे, लेकिन धनुष नहीं हिला। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा बाबा ऐसे कैसे, सब इकट्ठे होकर चले थे, तो भगवान की लीला देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा यही तो विडंबना है, जितने बड़े बड़े महारथी थे वो इकट्ठे थे, वो एक नहीं थे। वो इकट्ठे होकर श्री जानकी जी को पाना चाहते थे, इकट्ठे होकर धनुष को तोड़ना चाहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इकट्ठे नहीं होना है, जब एक होंगे तभी भक्ति जीवन में आएगी, जब एक भाव होगा तभी भक्ति का प्रारंभ होगा, तभी भक्ति मिलेगी। समाज की समस्या जानते हैं क्या है, आज सारा संसार इकट्ठे होने का उद्घोष करता है, इकट्ठे हो जाओ भाई कुछ करना है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं मैं समाज को इकट्ठा करने नहीं आया हूं, मैं समाज को एक करने आया हूं, ब्रह्म ज्ञान से एक करने आया हूं। समाज एक होगा तभी समाज में शांति आएगी और तभी मानव में क्रांति आएगी। वो एक करने आते हैं अपने तप से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी की कथा में हम सब इकट्ठे होकर आए हैं, हम इकट्ठे होकर बैठे हैं, लेकिन यदि प्रभु श्री राम जी की कथा को ध्यान से सुना, प्रभु श्री राम जी को जीवन में उतार लिया और यहां से एक होकर जाएंगे, तभी जीवन की सार्थकता है, तभी कथा सुनने की सार्थकता है। आए भले इकट्ठे हैं, जाना एक होकर है उस तत्व को जानकर। जब सहस्त्र राजा लोग भी धनुष को हिला नहीं पाए तो महाराज जनक जी अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहने लगे मुझे तो लगा था ये संपूर्ण जो पृथ्वी है इसमें क्षत्रिय रहते हैं, लेकिन यहां तो कोई क्षत्रिय नहीं है, सब क्षत्रिय विहीन है। और बाबा कहते ये बात वो किसी और को देखकर नहीं कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को देखकर कह रहे हैं। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों, वहां और भी बड़े योद्धा बैठे थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी जो हैं वो क्या हैं, लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे का काम करता है और प्रभु श्री राम जी का चरित्र झंडे का काम करता है। कहते हैं ना अगर डंडा खड़ा हो गया तो झंडा अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। तो ये बात महाराज जनक अच्छे से जानते हैं, लक्ष्मण खड़े हो गए तो राम स्वतः ही खड़े हो जाएंगे, राम को खड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं। जिस समय ऐसा हुआ तो लक्ष्मण जी स्वभाव से थोड़े से क्रोधी हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रभु के लिए कुछ सुन नहीं सकते। वो जल्दी से अपने मन से खड़े हुए और कहने लगे प्रभु देखिए महाराज जनक कैसे अपशब्द बोल रहे हैं, जिस सभा में रघुवंश मणि बैठे होते हैं वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा लक्ष्मण तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी तो अनुचित वाणी बोल रहे हो। तो उस समय लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मेरा बोलना तो बनता है क्योंकि यहां पर आप मेरे भ्राता नहीं हैं, यहां आप बैठे हैं रघुवंश मणि, और प्रभु यदि मणि पर आंच आए और फणी ना बोले तो ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो बोलना ही पड़ना था। तो जैसे ऐसा कहा तो भगवान मुस्कुरा दिए, कहने लगे लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब होगा जो तुम चाहते हो लेकिन अभी नहीं होगा, हम मर्यादा में रहने वाले,
जब तक गुरु अनुमति नहीं देंगे, वो आज्ञा नहीं देंगे, तब तक हम धनुष भंग कैसे कर सकते हैं? अब तुम जाकर अपने स्थान पर बैठ जाओ। जैसे वर्षा होने से पहले क्या होता है, क्या होता है भाई? बादलों की गड़गड़ाहट होती है ना, फिर वर्षा होती है। ऐसे ही प्रभु ने कहा, तुमने बादलों की गड़गड़ाहट कर दिया, वर्षा करना तो मेरा काम है, अब मुझ पर छोड़ दो और अपने स्थान पर बैठ जाओ। और उधर बाबा कहते हैं, मुनि विश्वामित्र जी को भी लगा कि अब राघव को धनुष तोड़ने की अनुमति दे देनी चाहिए कि नहीं, दे देनी चाहिए, क्योंकि श्री जानकी जी भी प्रतीक्षा कर रही हैं। और उसी समय प्रभु श्री राम जी के पास मुनि विश्वामित्र जी पहुंचते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, राघव जाओ और जाकर धनुष को तोड़ डालो। जिस समय ऐसा आदेश दिया, प्रभु श्री राम जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और मन ही मन महादेव को प्रणाम किया और उस धनुष की परिक्रमा की। और कहते हैं, जिस समय वो धनुष की परिक्रमा कर रहे होते हैं, धनुष को बीचों बीच मध्य में से उन्होंने पकड़ा, और जैसे ही धनुष को मध्य में से पकड़ा और एक क्षण में उस धनुष को उन्होंने उठा लिया, और जैसे उठा लिया और डोरी बांधने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, और जैसे ही डोरी को बांधने लगे, देखते ही देखते वो धनुष दो हिस्सों में विभाजित हो गया और एक भयानक गर्जना हुई। जैसे ही भयानक गर्जना हुई, जितने भी सभासद बैठे हैं, इतना प्रचंड प्रकाश हुआ, एक भयानक गर्जना हुई, सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। ये इतनी भयानक गर्जना किसकी है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसी समय मुनि विश्वामित्र जी अपने स्थान पर खड़े होते हैं, और जैसे ही मुनि विश्वामित्र जी अपने स्थान पर खड़े हुए, उन्होंने देखा, अरे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, राम ने धनुष को तोड़ दिया है, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। जैसे ही ऐसा कहा, मानो पूरे जनकपुरी में आनंद छा गया, प्रसन्नता आ गई। और गोस्वामी तुलसीदास जी और एक भक्त उस दृश्य के विषय में क्या लिखते हैं, आइए हम भी भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं, आइए।
दीक्षित देवों ने मंगल गाए, सारी प्रजा आनंदित हर्षित देवों ने मंगल गाए, खुशियां लुटाई राम जी ने, धनुष तोड़ा राम जी ने, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने, राम जी ने।
धनुष तोड़ा, राम जी ने किसका तोड़ा भाई? ओहो, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम जी ने महादेव का धनुष नहीं तोड़ा है, आपके घर का फर्नीचर तोड़ दिया आकर। ऐसा है? किस किस के घर का फर्नीचर टूटा, हाथ खड़ा करके बताएं जरा, हाथ खड़ा करके बताएं। ओहो, एक है। ऐसा है भाई, सच में भगवान जी आए और आपके घर का फर्नीचर तोड़ गए? चिंता की बात नहीं है, वो तोड़ना जानते हैं तो जोड़ना भी जानते हैं। प्रभु ने आज धनुष तोड़कर आनंद की एक बयार आ गई सभी और आनंद छा गया। और उधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री जानकी जी की जो सखियां हैं वो श्री जानकी जी को लेकर आती हैं स्वयंवर की सभा में। उनके हाथ में दिव्य वरमाला पकड़ी हुई है और प्रभु के पास उनको लेकर आया जाता है और प्रभु श्री राम देख रहे हैं सारा दृश्य। कहते हैं श्री जानकी जी की जो सखियां हैं वो प्रभु श्री राम जी के पास जाकर उनको निहुरा करती हैं। ए रघुवर माला जय माला पहिर ली, आपले तो ऋषि मुने झुक लेव, सीता जी के आगे अब आपनो निहुर ली। सखियों ने कहा, अरे राम जी, यूं तो हमें पता है आपके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपके चरणों में झुकते हैं, वो झुकते होंगे आपके चरणों में, लेकिन ये तो श्री जानकी जी की जनकपुरी है, यहाँ तो आपको भी स्वयं आकर झुकना पड़ेगा, आप झुकेंगे तभी तो वरमाला डाली जाएगी। तो प्रभु मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले, मौन है। श्री जानकी जी की सखियों ने देखा, अरे हम इनसे वार्ता करना चाहते हैं और ये कुछ बोल ही नहीं रहे, सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अब वरमाला कैसे डलवाएंगे ऐसे? तो एक सखी ने कहा, मैं जानती हूँ ये बड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, और यदि हम सारी सखियाँ मिलकर इन्हें घेर लेंगी और घेर कर कुछ गुनगुनाएंगी तो ये अवश्य शर्म से इनका मस्तक झुक जाएगा और जैसे थोड़ा सा झुकेंगे हम जल्दी से वरमाला डलवा देंगे। इतने में क्या हुआ, जितनी भी श्री जानकी जी की सखियां थी उन्होंने घेरा बनाया और प्रभु श्री राम जी को घेर लिया। और गाती हैं, दूल्हा के रंग आसमानी, लल्ली के रंग बादामी, काली काली जुल्फे और लट घुंघराली, दूल्हा के रंग आसमानी, लल्ली के रंग बादामी। जैसे ऐसा कहा, प्रभु श्री राम जी का मस्तक अपने आप स्वतः नीचे झुक गया और मुस्कुराने लग गए। अब जैसे ही झुका, प्रभु को लगा अब श्री जानकी जी मेरे गले में वरमाला डाल देंगी। ये क्या, श्री जानकी जी तो वरमाला ही नहीं डाल रही। प्रभु श्री राम जी एक क्षण रुके, दो क्षण रुके, जब देखा श्री जानकी जी तो वरमाला ही नहीं डाल रही तो मनोमय भाव से कहने लगे, जानकी मैं आपके समक्ष झुका हुआ हूँ, आप वरमाला डाल दें। तो श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु मुझे यह बताएं पहले कि जोड़ने में समय लगता है कि तोड़ने में, किसमें लगता है? जोड़ने में लगता है, और आपने क्या किया, तोड़ने में इतना विलंब कर दिया, अब तो जोड़ने की बारी है, विलंब तो होगा ही, प्रतीक्षा तो आपको करनी पड़ेगी। जब ऐसा कहा तो प्रभु तो मन मन मुस्कुरा रहे हैं, फिर झुक कर खड़े हैं, और श्री जानकी जी अभी भी वरमाला नहीं डाल रही। प्रभु ने देखा अभी भी और विलंब हो रहा है, कहने लगे, जानकी देखो बड़े बड़े महारथी सभा में बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे राम कैसे झुक कर खड़ा है। तो श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु मैं इन महारथियों को यही तो बताना चाहती हूँ कि ये धनुष को हिला नहीं पाए और कैसे अकड़ कर खड़े हैं, और मेरे प्रभु ने धनुष को तोड़ दिया और कैसे झुक कर खड़े हैं, मैं इनको यही तो बताना चाहती हूँ। अब प्रभु फिर मौन हो गए, अब विदुषी हैं श्री जानकी जी, अब फिर मौन खड़े हैं। और इधर श्री जानकी जी का ध्यान तनिक अपनी सखी की ओर गया तो प्रभु श्री राम जी तन कर खड़े हो गए। प्रभु ने कहा, अब एक अवसर दिया था, आपने उस अवसर का उपयोग नहीं किया, अब तो अब हम नहीं झुकेंगे। अब प्रभु सीधे खड़े हैं, श्री जानकी जी वरमाला डालने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब कैसे करें? तो अब जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान किसके पास होता है, किसके पास होता है भाई? लक्ष्मण जी के पास होता है। अब विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को देखा तो लक्ष्मण जी एक क्षण में समझ गए और जल्दी से अपने मन से नीचे उतरे और सीधा दंडवत प्रभु के चरणों में लेट गए। जैसे ही प्रभु के चरणों में दंडवत लेट गए, प्रभु ने कहा, लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो? तो लक्ष्मण बोले, प्रभु ये कैसा सवाल हुआ, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो प्रभु ने कहा, ये कौन से समय का प्रणाम है? तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, प्रभु प्रणाम करने के लिए कोई समय थोड़ी ना होता है, मेरा मन किया अब मैं दंडवत लेट गया। तो प्रभु ने कहा, हो गया प्रणाम, चलो उठो। उन्होंने कहा, ऐसे नहीं प्रभु, ऐसे नहीं मैं उठूंगा, आपको स्वयं उठाना पड़ेगा मुझे। तो प्रभु ने कहा, ठीक है।
और प्रभु श्री राम जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, श्री जानकी जी ने देखा मौका बहुत अच्छा अच्छा है ना, अब चूक गए तो पता नहीं कब मिलेगा। अब जैसे ही प्रभु श्री राम झुके, उन्होंने लक्ष्मण को उठाया, श्री जानकी जी ने दाएं देखा बाएं देखा, जल्दी से वरमाला गले में डाली। ये बात जैसे ही वरमाला गले में डाली, प्रभु ने देखा, ओ कहने लगे, लक्ष्मण हारने वाला तो आज मैं भी नहीं था, लेकिन तुमने मुझे हरा दिया आज। और पूरी जनकपुरी में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा, खुशी आ गई, आनंद आ गया, प्रसन्नता आ गई, हमारे चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन ये मुस्कुराहट, ये आनंद, ये हंसी सदा सदा बनी रहे, उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। श्री जानकी जी सिद्धा भक्ति हैं और प्रभु श्री राम ब्रह्म स्वरूप हैं। जनक वासियों के जीवन में भक्ति और ब्रह्म दोनों आ गए तो उत्सव तो होना था, आनंद भी होना था। अब विचारणीय बात यह है कि जनक वासियों को ब्रह्म और भक्ति दोनों का एक साथ सायुज्य कैसे मिला, स्वयं तो नहीं कर पाए वो। जब तक मुनि विश्वामित्र जी का आगमन नहीं हुआ, तब तक भक्ति और ब्रह्म का मिलन संभव ही नहीं है। विश्वामित्र जी आज गुरु की भूमिका को अदा कर रहे हैं। सज्जनों, यदि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में भक्ति को पाना चाहते हैं, भक्ति का प्रारंभ करना चाहते हैं, तो शास्त्र कहते हैं पहली शर्त यह है कि आपके जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है, एक सदगुरु का होना आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कहा, बिन गुरु होए ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग्य बिन, गावही वेद पुराण सुख के लय हरि भक्ति बिन। उन्होंने कहा गुरु के बिना आपको कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान क्या है? ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का प्रत्यक्षानुभूति, उसका दीदार। उन्होंने कहा बिन गुरु होए ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग्य बिन, जब तक गुरु नहीं आएगा जीवन में ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ईश्वर को देख नहीं लेंगे जीवन में वैराग्य नहीं आ सकता है, जीवन विरक्त नहीं हो सकता है। जीवन में गुरु की नितांत आवश्यकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु दूती बिन सखी पिव ना देखी जाए, भावे तू जप तप कर देखी, भावे तीर्थ नहाए। हमारे शास्त्रों ने बड़ी खरी बात कही है, बिल्कुल उलझाया नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा गुरु दूती बिन सखी है आत्मा, गुरु के बिना तुम परमात्मा से मिल नहीं सकती, परमात्मा को देख नहीं सकती हो, चाहे तुम कितना जप तप कीजो, भावे तीर्थ नहाओ, चाहे कुछ भी करके देख लो, कितना भी प्रयास कर लो, आप ईश्वर को नहीं मिल सकते। एक ही कसौटी है, यदि आप ईश्वर देखना चाहते हैं तो आपके जीवन में गुरु की नितांत आवश्यकता है, गुरु होने चाहिए। कबीर कहते हैं गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोच, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। सारी बात ही खत्म कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा जीवन के दोष, जीवन के पाप, जीवन के कलह, जीवन की समस्याएं तभी मिटेंगी यदि जीवन में गुरु होंगे, पूर्ण सदगुरु। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, मोक्ष नहीं मिल सकता। आज हम मोक्ष प्राप्ति के लिए जप करते हैं, तप करते हैं, नेम व्रत तीर्थाटन करते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं यदि मोक्ष की अभिलाषी हो तो एक तत्ववेता गुरु की शरण में जाना होगा। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। हे पार्थ, एक जिज्ञासु को जिज्ञासा की समिधा लेकर पूर्ण सदगुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो गुरु के पास ही वो कुंजी यहाँ इस द्वार को खोलने की होती है। वो खोल देता है और हमें भीतर की यात्रा करवाता है। और यदि अभी तक जीवन में गुरु नहीं है तो आपका कल्याण नहीं है। भक्त हुए हैं राजा पीपा, उनके जीवन की कहानी आती है कि एक बार स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य धर्मानंद को बुलाया और धर्मानंद से कहा जाओ राजा पीपा से मिलकर आओ, उसके राज्य का भ्रमण कर आओ। धर्मानंद जी कुछ शिष्यों को साथ लेकर चल पड़े तो राजा पीपा बड़े भक्ति भाव वाले थे,
ईश्वर के चरणों में बड़ा प्रेम करते थे। कोई भी साधु संत आता तो उनका सम्मान करते, उनका नियम था ये। तो उन्होंने उस मंडली को प्रणाम किया, अभ्यागत का स्वागत किया और भोजन करवाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी। कहते जिस समय धर्मानंद जी और शिष्यों के साथ भोजन करने लगे, अभी एक कोर तोड़ी थी, तो उन्होंने स्वाभाविक प्रश्न पूछ लिया, अरे महाराज आप में बड़े भाव हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका गुरु कौन है। कहते जिस समय राजा पीपा ने यह सुना तो उन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई गुरु ही नहीं है, मैंने तो गुरु को धारण ही नहीं किया। तो कथा कहती है उन्होंने उस भोजन को वहीं छोड़ दिया। उन्होंने कहा, आप निगुरे हैं, हम आपके घर का भोजन नहीं कर सकते। पापी के घर का भोजन कर लो, लेकिन निगुरे के घर का भोजन नहीं हो सकता। वो उठने लगे तो राजा पीपा ने चरण पकड़ लिए, कहने लगे, महात्मन मुझे क्षमा कर दीजिए, इतने संत आते हैं, इतने और भगवानधारी आते हैं, लेकिन आज तक मुझे कभी किसी ने कहा ही नहीं कि गुरु की जीवन में आवश्यकता होती है, गुरु को धारण करना चाहिए। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, आप स्वामी रामानंद जी के पास आए, उनके आश्रम में आए। तो राजा पीपा को पूरी रात्रि नींद नहीं आई और वो पहुंच गए प्रातः होते ही अपने गुरु की शरण में, उनसे ज्ञान दीक्षा प्राप्त करने के लिए। कहते जिस समय आश्रम में पहुंचे तो धर्मानंद जी ने गुरु से कहा, गुरुदेव राजा पीपा आए हैं, ज्ञान के अभिलाषी हैं। तो रामानंद जी ने कहा, उसे कहो यदि ईश्वर देखना है, ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा है, तो जाओ जो सामने कुआं है ना उसमें कूद जाओ। जिस समय राजा पीपा को ये बात पता चली, उसी समय तेज कदमों से उन्होंने कहा, मुझे ईश्वर दर्शन करना है, मुझे निगुरा नहीं रहना, मुझे गुरु वाला बनना है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और वो तेज गति से कुएं के पास जाने लगे और जिस समय कुएं में छलांग लगाने लगे, स्वामी रामानंद जी ने अपने कुटिया का कक्ष खोल दिया और जैसे ही कपाट खुले आवाज आई, पीपा रुक जाओ। तो राजा पीपा रुक गए। तो गुरुदेव ने प्रश्न किया, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, गुरुदेव जैसे आपने मुझे दर्शन देने के लिए अपने कक्ष के कपाट खोल दिए, ठीक इसी प्रकार से मेरे भीतर के कपाट खोल दें, मैं भीतर ईश्वर को देखना चाहता हूं और मैं जानता हूं ये आप ही कर सकते हैं। और कहते हैं स्वामी रामानंद जी ने उन्हें ज्ञान दिया, वो ब्रह्म ज्ञान, वो आत्म ज्ञान प्रदान किया। तो राजा लिखते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। उन्होंने कहा, अखिल ब्रह्मांड मेरे भीतर में है, मैंने गुरु की कृपा से देख लिया है, और जो देखना चाहता है, जो भीतर उतरना चाहता है, उन्हें ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु के बिना कल्याण है ही नहीं है। एक बार कहते हैं रविदास जी अपने भक्तों के सामने, संतों के सामने, मंडली के सामने बैठे हुए गुनगुना रहे थे, धन सो पंथ जिन पंथ चलावा, आवा गवन में गम दिखलावा। कहते धन्य है उस अगम को देख लिया मैंने। जिस समय ऐसा गुनगुना रहे थे तो एक भक्त ने कहा, आप किस अगम की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा, ढूंढो कोई षड शास्त्र में, कंदू कोई वेद बखाने। उन्होंने कहा, मैं उस आगम उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ जिसे कोई कंदराओं में ढूंढ रहा है, कोई शास्त्रों में ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई तीर्थों में ढूंढ रहा है, कोई हिमालय में ढूंढ रहा है, लेकिन वो आगम, वो ईश्वर उन्हें मिल नहीं रहा। तो जिज्ञासु ने कहा, क्यों नहीं मिल रहा? इतना अभ्यास, इतना प्रयास। आप ही तो कहते हैं अभ्यास और प्रयास से मिलता है। उन्होंने कहा, वो सामने नदी देख रहे हो? उन्होंने कहा, देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा, उस नदी में एक नौका है, सारा संसार कहता है वो नौका इधर से उधर, उधर से इधर हमें कर देती है, पार कर देती है, लेकिन ये नदी हमें, ये नौका हमें पार क्यों नहीं करवा रही? तो सज्जन ने कहा, गुरुदेव क्योंकि इस नौका में केवट नहीं है, जब तक केवट नहीं होगा इस तट से उस तट तक जा ही नहीं सकते। तो रविदास जी ने कहा, एक साधारण सी नदी को पार करने के लिए केवट चाहिए, तो क्या भवसागर से पार होने के लिए गुरु रूपी केवट नहीं चाहिए? जब तक गुरु जीवन में नहीं आएगा, वो केवट जीवन में नहीं आएगा, वो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जीवन में नहीं आएंगे, तब तक हम भवसागर से पार हो ही नहीं सकते। इसीलिए भक्तों ने, संतों ने कहा, गुरु के बिना हम पार नहीं हो सकते हैं, गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और हमारे भक्त, हमारे संत इस विषय में हमें प्रेरणा देते हुए, हमें जागृत करते हुए क्या कहते हैं, आइए हम भी एक संत वाणी के माध्यम से श्रवण करते हैं, आइए।
गुरु तम नमामि, सद्गुरु तम नमामि, भव से गुरु ही पार लगाते, गुरु ही पार लगाते, भव से गुरु ही पार लगाते। एक गुरु ही हैं जो हमें भव सागर से पार करवा सकते हैं और हमारे भीतर के चक्षु को खोल सकते हैं। गुजरात के ही एक और संत हुए हैं दयानंद सरस्वती जी, जिनका पहला नाम था मूल शंकर। कहते ईश्वर की तलाश में निकल पड़े कि मुझे ईश्वर देखना है, और उनकी भेंट विरजानंद जी के साथ हुई। और एक दिन वो कुटीर के द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे थे द्वार को, तो भीतर से आवाज़ आई, कौन? तो मूल शंकर अर्थात दयानंद सरस्वती जी कहने लगे, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे तो स्वयं ही नहीं पता मैं कौन हूँ, इसीलिए तो आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे बताएं मैं कौन हूँ। विरजानंद जी ने द्वार खोल दिए और कहते हैं जिस समय द्वार खोले, हम सभी जानते हैं वो सूरदास थे, वो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने टटोलते हुए देखा कि दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे शास्त्र ग्रंथों को अपने मस्तक पर उठा रखा है। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़कर मैं यहाँ तक आया हूँ। तो उन्होंने कहा बस इसकी यात्रा यहीं तक की है, अब जो ग्रंथों में लिखा है, जो ग्रंथों ने कहा है, उस ब्रह्म को मैं तेरे भीतर प्रकट कर दूंगा। और उन्होंने वो ज्ञान दिया, ईश्वर का दर्शन करवाया, और भीतर उस ब्रह्म का दर्शन करने के पश्चात जीवन की दिशा बदल गई और समाज के कल्याण के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया। हमारे जीवन में एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है सज्जनों, जब गुरु मिलेंगे, जब जीवन में आएंगे, तो वो हमें ईश्वर से जोड़ देंगे, ईश्वर से मिला देंगे। क्योंकि यूँ तो संसार में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं पूर्ण सद्गुरु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जो स्वयं ईश्वर को जानते हों, जिन्होंने ईश्वर को देखा हो और हमें भी ईश्वर को दिखा दे, ऐसे गुरु की शरण में जाना है और तब हमारा कल्याण होगा। और ये जो प्रसंग है, बड़ा मार्मिक और गहरा प्रसंग है जो हमें समझा रहा है कि हम ऐसे गुरु की शरण में जाएं, तभी हमारे जीवन में भक्ति, तभी हमारे जीवन में ब्रह्म का आगमन होगा, उससे पहले नहीं। और इधर ब्रह्म और भक्ति दोनों को पाकर जनकपुरी में आनंद है। और उसी समय महाराज जनक जी मुनि विश्वामित्र जी के पास जाकर कहने लगे, मुनिवर आपकी कृपा से समस्त कार्य पूर्ण हो रहे हैं, अब बताएं मेरे लिए क्या आज्ञा है। जैसे ही ऐसा सुना तो विप्रवर बोले, राजन आप अपने दूत भेजो, एक पत्रिका भेजो, और महाराज दशरथ जी बारात को लेकर आए ताकि राम जी का विवाह संपन्न किया जा सके श्री जानकी जी के साथ। और कहते हैं दूत चल पड़े पत्रिका लेकर महाराज दशरथ जी के पास, और जिस समय सारा वृत्तांत सुनाया तो महाराज दशरथ जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी कहते एक अटपटा प्रश्न पूछा कि क्या महाराज जनक ने मेरे राम को पहचान लिया? तो विदेहराज जनक के दूत भी वैदेही हैं, उन्होंने कहा राजन महाराज जनक के अतिरिक्त तो और कौन जान सकता है, एक वैदेही तो राम को जान सकता है, और उन्होंने जान लिया है राम कौन है। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, कैसे धनुष भंग हुआ सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा वो तो पुरुष सिंह है, पुरुषों में उत्तम है, आप बारात लेकर आए। और जिस समय ऐसा कहा वो पत्रिका माताओं ने पड़ी हृदय से लगाया, और उसी समय महाराज दशरथ जी आदेश देते हैं कि तैयारियां प्रारंभ करो। रथ पर आरूढ़ होकर महाराज दशरथ जी अपने गुरुजनों मित्रों और के साथ चल पड़ते हैं जनकपुरी की ओर, और प्रभु श्री राम तो पहले से ही वहां विद्यमान हैं। और कहते कि जिस समय वहां पर पहुंचे तो सभा हुई, गोष्ठी हुई, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा संयोग बना कि जनकपुरी की चारों राजकुमारियों का विवाह अयोध्या के चारों राजकुमारों के साथ निश्चित कर दिया गया। और आनंद बढ़ गया, और इतना आनंद बढ़ा, बाबा कहते हैं वो मंगल मूल लगन दिन आवा, वो मंगल दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था कि प्रभु श्री राम दूल्हा बनकर आएंगे और हम उनको दूल्हे के रूप में देखेंगे।
सभी इंतजार कर रहे हैं और बाबा उनके रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु ने पीताम्बर धारण किया है, मुकुट पहना है, मालाएं पहनी हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं और सज खड़े हैं। और उसी समय कामदेव ने घोड़े का रूप धारण किया और निवेदन किया, आप मुझ पर सवार हो जाएं। और प्रभु श्री राम जी सवार होकर चल पड़ते हैं मंडप की ओर, और मंडप की ओर बढ़ते हैं। और उधर महाराज जनक जी अत्यंत प्रसन्न हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और उसी समय के दौरान रीतियों और परंपराओं का निर्वाह करते हुए महाराज जनक जी अपनी पुत्री जानकी का हाथ प्रभु श्री राम जी के हाथ में सौंप देते हैं। जैसे ही श्री जानकी जी का हाथ आज ब्रह्म के हाथ में पहुंच गया, और आज श्री जानकी जी भी प्रसन्न हैं, प्रभु श्री राम जी भी प्रसन्न हैं, और जनकवासी अयोध्यावासी भी प्रसन्न हैं। और इस प्रकार से बाबा कहते हैं, विवाह की रस्में चल रही हैं, और उन्हीं रस्मों में से एक रस्म गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि महाराज जनक जी ने जिस समय देखा कि विवाह संपन्न हो चुका है, उन्होंने कहा, आप भोजन गृह में आएं, आपका इंतज़ार हो रहा है, जनकपुरी की स्त्रियां आपका इंतज़ार, आपकी बाट देख रही हैं, आप भोजन को ग्रहण करें। और बाबा कहते हैं, सारी स्त्रियां, जितनी भी जनकपुरी की स्त्रियां हैं, वो वहां पर विद्यमान हैं। और बाराती पहुंच गए स्थल पर, और जिस समय बाराती पहुंचे तो जनकपुरी की स्त्रियां निहोरा करती हैं, व्यंग करती हैं प्रभु और बारातियों को देखकर। ये एक परंपरा रहती है, बहुत पुरातन परंपरा है जिसका निर्वाह किया जाता है और आज भी कई स्थानों पर किया जाता है। कहते हैं कि जनकपुरी की स्त्रियां वहां पर बैठी हैं और प्रभु श्री राम जी को देख रही हैं, बारातियों को देख रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं। उन्होंने कहा, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियां। उन्होंने कहा, अरे सखियों, इन चारों दूल्हे राजाओं में जो सबसे बड़े हैं उनका तो कमाल देखने वाला है, ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। दूसरी ने कहा, अरे ये तुमने क्या कह दिया, ये कहाँ के सुंदर हैं, ये तो सुंदर है ही नहीं। तो जनकपुर की नर नारी आज प्रभु श्री राम जी से क्या पूछ रही हैं? आज पूछे जनकपुर की नर नारी, अरे एक भाई गोरो और एक भाई कारी। कहने लगे, ये बात समझ नहीं आई कि एक भाई गोरा है और दूसरा भाई काला है, ये चक्कर क्या है? तो दूसरी सखी ने कहा, ये मुझे पता है चक्कर क्या है। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं हो रही थी। तो दूसरी ने कहा, फिर? तो उसने कहा, संतान नहीं हो रही थी तो पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाया और यज्ञ नारायण भगवान खीर लेकर आए। अब ये बालक जो हैं, ये तो खीर खाकर पैदा हुए हैं, इसलिए काला निकल आया है, गोरा निकल आया। जिस समय ऐसा कहा, प्रभु तो मुस्कुरा दिए, लेकिन हमारे लक्ष्मण भैया को क्रोध आ गया। उन्होंने जल्दी से अपना धनुष बाण उठाया, उठने लगे। प्रभु ने कहा, ओ कहाँ जा रहे हो तुम? उन्होंने कहा, प्रभु ये आपका अपमान कर रही हैं और मैं आपका अपमान नहीं सहन कर सकता। प्रभु ने हाथ पकड़ा, कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, लक्ष्मण ये युद्ध भूमि नहीं है, ये स्त्रियों की सभा है, और यदि तुम गुस्सा करोगे तो ये और व्यंग करेंगी, ये यहाँ तुम्हारी और टांग खिंचाई होंगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं क्या करूँ, मुझे तो क्रोध आ रहा है। तो प्रभु ने कहा, मुस्कुराओ तुम। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे तो मुस्कुराहट नहीं आ रही। तो प्रभु ने कहा, नहीं आ रही तो भी मुस्कुराओ, यदि तुम इनके बीच में हंसोगे नहीं, मुस्कुराओगे नहीं, तो इन्हें पता चल जाएगा और तुम्हारी खूब टांग खिंचाई होगी और तुम्हारे साथ मेरी भी होगी, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। अब लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी बैठ गए चुपचाप में। एक सखी ने कहा, अच्छा आज तो बड़ा ज्ञान हुआ है मुझे, मुझे तो पता ही नहीं था ये खीर खाकर पैदा हुए हैं। तो दूसरी ने कहा, फिर धनुष कैसे टूट गया? तो उन्होंने कहा, आपको नहीं पता, मुझे एक राज की बात पता है, ऐसा रहस्य जो किसी को नहीं पता। तो सखियों ने कहा, अच्छा आपको कौन सा रहस्य पता है? उन्होंने कहा, राम ने धनुष नहीं तोड़ा। तो सारी सखियां खिलखिलाकर हंसती। उन्होंने कहा, अच्छा फिर? तो फिर धनुष तो टूट गया था, हम सबने देखा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, राम ने धनुष नहीं तोड़ा है, वो तो बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा सभा में आए हुए थे, वो एक एक कर धनुष को उठा रहे थे, वो करते करते जो धनुष था वो भीतर से हिल गया बेचारा, और जब राम आए उन्होंने हाथ लगाया, धनुष टूट गया।
तो सखियों ने जब वो ठहाका लगाकर हंस दी तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, प्रभु मैं कुछ बताऊं इनको? प्रभु ने कहा, नहीं 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 नहीं, तुम रहने ही दो, तुम बताओगे ये मुझे बताएंगी, तुम शांत रहो यहाँ पे। तो दूसरी सखी ने कहा, बात तो तुमने बिल्कुल खरी कही है। अरे भाई, खीर खाकर जो बालक पैदा होते हैं उनमें इतना बल कहाँ से आ सकता है? ये तो खीर खाकर पैदा हुए हैं, इनमें कोई बल बुल नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु अब तो मैं नहीं रह सकता, पहले तो ये आप पर व्यंग कर रही थी, अब तो ये मेरी माताओं तक पहुंच गई। तो उसी समय खड़े हो गए, उन्होंने कहा, अरे अयोध्या में तो ये परंपरा है कि वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो खीर खाकर बालकों को जन्म देती हैं, संतान पैदा करती हैं, लेकिन जनकपुरी में तो खीर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, धरती को फाड़ो बीच में से ही संतान निकलती। जैसे कहा, सखियों ने मारा सर पर हाथ, कहने लगे, वो तो मौन रहते हैं लेकिन ये बहुत बोलते हैं। अब इनको तो, इनके पास तो हर तरह का जवाब है। तो सखियां फिर शुरू हो गई, कहने लगे, ऐसे करो, हम ये कहना चाहते हैं आप अयोध्या में ना रहो, बनी मिथिला में रह ही, ए रघुवर माला, बनी मिथिला में रहो ही, आप मिथिला में रहिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों रहे मेरे भैया यहाँ पर, हम तो अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा, देखिए हमारे पास एक बड़ी अच्छी युक्ति है। कौन सी है? उन्होंने कहा, यदि आप यहाँ मिथिला में रहेंगे तो हम क्या करेंगे, रोज सवेरे उपटन मलकर इत्र से नहाइब, एक महीने के भीतर इनको करवा से गोर बनाइब। उन्होंने कहा, एक महीना इन्हें छोड़ दो राम को यहाँ पर, तो क्या करेंगे, मलमल कर इनको स्नान करवाएंगे और इन्हें काला से गोरा बना देंगे। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा, आपको इनके कालेपन से क्या समस्या है भाई? तो उन्होंने कहा, समस्या हमें नहीं है, बात यह है कि जब श्री जानकी जी इनके साथ आकर बैठेंगी तो ये और श्याम रंग के लगेंगे, और काले लगेंगे, इन्हीं के लिए तो हम सब कुछ सोच रही हैं। तो बाबा कहते हैं, सखियां वास्तव में चाहती है ये श्याम रंग के जो प्रभु हैं ना, वो सदा सदा के लिए मिथिला में रह जाएं, हम रोज इनका दर्शन करें, इनकी सेवा करें। भाव देखिए कैसे हैं, व्यंग हो रहा है और प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभु मौन हैं, प्रभु आनंद ले रहे हैं। और उसी समय महाराज दशरथ जी अनुरोध करते हुए कहने लगे, महाराज जनक जी से अब हमें अनुमति दीजिए, बहुत विलंब हो चुका है। क्यों? क्योंकि अयोध्यावासी और रानियां भी इंतज़ार कर रही हैं और उनको और प्रतीक्षा करवाना अच्छी बात नहीं है। तो उसी समय श्री जानकी जी की विदाई होती है और सभी नम आँखों से श्री जानकी जी को भेजते हैं अयोध्या की पवित्र भूमि की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इधर प्रभु श्री राम जी श्री जानकी जी को साथ लेकर पवित्र भूमि में आते हैं और माताएं आरती का थाल सजाकर बैठी हैं, तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और अत्यंत प्रसन्न हैं। और अयोध्या में नव वधुओं का स्वागत होता है और श्री जानकी जी की स्तुति होती है, प्रणाम होता है, आनंद उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए हम सब पीछे क्यों हटें, हम भी उस आनंद के उत्सव को मनाते हैं। कौन कौन है जो आनंद उत्सव मनाना चाहता है, हाथ खड़ा करके बताएं। सभी मनाना चाहते हैं, तो चलिए हम सब मिलकर अयोध्या की पवित्र भूमि की ओर यात्रा करते हैं और देखते हैं श्री जानकी जी का स्वागत अयोध्या की पवित्र भूमि में कैसे होता है। आइए। शम शम मयूरा नाच रहा और कोयल कुकू गान सुनावे, वसुधा की भी वृक्ष पत्तियां झूम झूम कर ताल बजावे। छम छम मयूरा नाच रहा और कोयल कुकू गान सुनावे, वसुधा की भी वृक्ष पत्तियां झूम झूम कर ताल बजावे। आज प्रभु जो कमल खेला हो, आज प्रभु जो कमल खेला हो, और राम विहार कर ले आए हैं जनक दुलारी सीता,
बोल्या खड़ी द्वार पर लेत बलैया मंगल गावो आन पधारो गृह लक्ष्मी सिय चरण से कलश गिरावो स्वागत ऐसा इन भावों से स्वागत ऐसा पावन अति पुरीता राम विहार कर ले आए हैं जनक दुलारी सीता जनक दुलारी सीता राम विहार मन आनंदित सुख पाया है भाया सुगंधित है हर आंगन कहूँ और है रंग बरसियो मगन हो नाच रहा है जन जन राजभोग पेड़े हैं बांटे राजभोग पेड़े हैं बांटे और बाटे नवनीता राम विहार कर ले आए हैं जनक दुलारी सीता जनक दुलारी सीता राम विहार जनक दुलारी सीता जनक दुलारी सीता राम विहार कर ले आए हैं जनक दुलारी सीता जनक दुलारी सीता जनक दुलारी सीता जनक दुलारी सीता गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री जानकी जी सिद्धा भक्ति हैं और श्री जानकी जी का आगमन कहाँ हुआ है अयोध्या में और जिस समय श्री जानकी जी का आगमन अयोध्या में हुआ तो चहुं और आनंद और खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई जबते राम विवाह घर आए नित नए मंगल मोद सुधाए
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से श्री जानकी जी का आगमन हुआ है तब से मंगल गीत गाए जाने लगे, खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई, आनंद ही आनंद छा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब भक्ति जीवन में आती है तो आनंद स्वतः ही आ जाता है। जब भक्ति का पदार्पण जीवन में होता है तो आनंद का आना स्वाभाविक हो जाता है। और श्री जानकी जी आज अपने साथ सिद्धियों को, बहुत सारी संपत्तियों को, बहुत सारे अनुदानों को लेकर अपने साथ अयोध्या की पवित्र भूमि पर आई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इधर संपूर्ण अयोध्या में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, खुशियां प्रसन्नता मनाई जा रही है। और तभी प्रभु श्री राम जी श्री जानकी जी के साथ बैठे हुए हैं और प्रभु श्री राम जी अपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ एक वचनबद्धता से करते हैं। हमारे रामायण में, हमारे ग्रंथों में बहुत सुंदर निहित है कि प्रभु श्री राम जी प्रथम दिन श्री जानकी जी को एक वचन देते हैं कि मैं आजीवन एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करूंगा, और इस वचन से अपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ करते हैं। प्रभु श्री राम जी ने इस वचन को निभाया और अंत तक निभाया, हम सभी जानते हैं। प्रभु श्री राम जी का संपूर्ण जीवन चरित्र हमें चरित्रवान बनने की प्रेरणा ही तो दे रहा है, लेकिन विडंबना है आज के समाज में चरित्र को खोजना भूसे के ढेर में एक छोटी सी सुई खोजने जैसा है। कहीं भी सच और चरित्र दिखाई ही नहीं देता, लेकिन प्रभु श्री राम जी का जो जीवन है वो चरित्र से परिपूर्ण है। हनुमान नाटक में बड़ा सुंदर विवरण दिया गया है। हनुमान नाटक में वर्णन आता है कि एक बार मंदोदरी प्रभु श्री राम जी के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, ये देखने के लिए कि सुना तो बहुत है कि प्रभु श्री राम बहुत चरित्रवान है, बहुत धैर्यवान है, बड़ा संयम है इनके अंदर। तो वो प्रभु की परीक्षा लेने के लिए श्रृंगारित होकर चल पड़ी पालकी में बैठकर, सज होकर। कहते हैं कि जिस समय वो प्रभु के पास पहुंची सुबेल पर्वत पर, तो सुग्रीव ने देखा कि मंदोदरी पहुंची है, महारानी मंदोदरी का आगमन हुआ है। उन्होंने जल्दी से प्रभु से कहा, प्रभु महारानी मंदोदरी आपसे मिलने के लिए आ रही हैं। जिस समय प्रभु श्री राम जी ने सुना, उन्होंने कहा उन्हें आने दे, सम्मान सहित उन्हें भीतर लेकर आए। और मंदोदरी चली आ रही है और मन में बड़ा उहापोह है, क्योंकि बहुत कुछ सुना है राम जी के बारे में, लेकिन आज साक्षात देखना चाहती है कितना संयम है, कितना विवेक है उनमें। हनुमान नाटक में वर्णन आता है कि जिस समय मंदोदरी प्रभु श्री राम जी के पास आकर खड़ी होकर प्रणाम करती है कि प्रभु श्री राम जी को नमन करती है, उस समय प्रभु श्री राम जी के जो नेत्र हैं वो धरती की ओर झुके हुए हैं। एक क्षण के लिए भी उन्होंने अपने नेत्रों को ऊपर नहीं उठाया, वो जमीन पर गड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, हे देवी कैसे आना हुआ, आप बताएं आपके आने का औचित्य क्या है। और प्रभु बोल रहे हैं लेकिन उनके जो नेत्र हैं वो मंदोदरी के मुख को नहीं देख रहे हैं, वो निरंतर जमीन को देख रहे हैं। हनुमान नाटक में वर्णन आता है कि जिस समय मंदोदरी ने प्रभु श्री राम जी को ऐसा संयमित देखा तो उनके मुख से एक शब्द निकला, धन्यते माता, धन्यते पिता, धन्यते कुल। उन्होंने कहा, धन्य है ऐसी माँ जिसने आपको जन्म दिया है, धन्य है ऐसे पिता, धन्य है ऐसी कुल जहां पर आप जैसे राम रहते हैं। आप अत्यंत चरित्रवान हैं। और उस नाटक में लिखा गया कि जब मंदोदरी परीक्षा लेकर लौट रही थी तो उसके मन की स्थिति क्या थी। उसके मन में एक ही विचार आ रहा था कि यदि मेरे पति रावण भी चरित्रवान होते, यदि वो चरित्रवान होता तो आज मृत्यु नहीं हुई होती, अशैया पर लेटे नहीं होते, आज जीवित होते। वो चरित्रहीनता के कारण आज उनका ही नहीं संपूर्ण कुल का नाश हो गया, संपूर्ण कुल का।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का संपूर्ण जीवन चरित्र मर्यादाओं में बंधा हुआ जीवन चरित्र है जो हमें शिक्षा देता है, और आज वो गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत महानता है। हमारी भारतीय संस्कृति में जब दो लोग परिणय सूत्र में बंधते हैं तो ये एक बड़ी पवित्र घटना है, क्योंकि इसमें से सृष्टि का सृजन कार्य प्रारंभ होता है और हमारे शास्त्र इसको बड़ा पवित्र मानते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता देखिए, जहां पर सन्यास शब्द के साथ आश्रम शब्द का प्रयोग होता है, वहीं पर हमारी उच्च संस्कृति में गृहस्थ धर्म के साथ भी आश्रम शब्द लगाया जाता है, गृहस्थ आश्रम। उन्होंने कहा सन्यासियों के लिए यदि ये आश्रम है, नियम होते हैं, ऐसे गृहस्थियों के लिए भी एक नियम की परिपाटी है जिसमें रहकर वो जीवन जिए, परिवार को चलाएं, समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभाएं और अंत समय तक अपने रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखें। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा प्रावधान दिया गया है, लेकिन विडंबना है, त्रासदी है आज के समय की कि आज इस पुण्य भूमि भारत पर, प्रभु श्री राम जी की भूमि भारत पर, आज व्यक्तियों के लिए रिश्तों को निभाना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। आज व्यक्ति को लगता है मैं रिश्ते नहीं निभा सकता हूं, मैं परंपराओं को, मर्यादाओं का निर्वाह नहीं कर सकता, यह बहुत मुश्किल काम है। और यही कारण है कि आज समाज में जहां भी आपकी दृष्टि जाएगी वहां आपको रिश्तों की टूटती हुई ध्वनि ही सुनाई देगी, टूटन बिखराव ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों आज रिश्तों में इतना बिखरावट क्यों है? क्योंकि हम त्याग के लिए, बलिदान के लिए, समर्पण के लिए, सैक्रिफाइस के लिए तैयार ही नहीं है। हर व्यक्ति पाना चाहता है लेकिन लगाना कुछ नहीं चाहता, देना कुछ नहीं चाहता है। और यही कारण है कि आज समाज में रिश्ते टूट रहे हैं सज्जनों, रिश्ते बिखर रहे हैं। रिश्तों के बिखरने का कारण यह है कि आज हम रिश्तों में अपनत्व नहीं खोजते हैं, हम रिश्तों में रोमांच खोज रहे हैं, हम भटक रहे हैं। आज हमारे जीवन में बड़ी गति है, हम जितनी तेजी से रिश्तों को बनाते हैं उतनी ही तेजी से रिश्तों को बिगाड़ भी देते हैं। जितनी तेजी से हमारे मन के अंदर कोई व्यक्ति घर कर जाता है उतनी ही तेजी से हमारे मन से निकल भी जाता है। आपने लव एट फर्स्ट साइट सुना होगा, लेकिन आजकल एक पंक्ति बड़ी ट्रेंड में है, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। एक छोटी सी फाइट रिश्तों को कहां से कहां लाकर खड़ा कर देती है। आज हमारी स्थिति जानते हो कैसी, एक छोटे से बच्चे की तरह है। जैसे एक बच्चा खिलौने को पाने के लिए जिद करता है, मुझे ये खिलौना चाहिए, और जब उसे मिल जाता है वो खेलता है, और जब नया आ जाता है तो उसे वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाता है। आज रिश्तों के साथ भी हमारे जीवन में यही सब कुछ हो रहा है। आज रिश्तों के साथ हम सज्जनों खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें रिश्तों की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, हम अपनों को समय नहीं देते हैं, उनकी खुशियों में, उनके गम में शामिल नहीं हो पाते हैं। सारा टाइम हम टेक्नोलॉजी को देते हैं, फोन पर लगा देते हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या जीवन भर आप इस टेक्नोलॉजी के साथ रह लेंगे? आप नहीं रह सकते। आपको रहने के लिए समाज, आपको रहने के लिए परिवार, आपको रहने के लिए अपनों की साथ की आवश्यकता है। लेकिन विडंबना यह है कि आज वो अपनत्व बिखरता चला जा रहा है। कारण क्या है? कारण है भावनाओं का बिखर जाना, भावनाओं पर नियंत्रण न होना। क्योंकि जब झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, फाइट होती है, हर व्यक्ति अपने आप को सही सिद्ध करने में लगता, मेरा दोष नहीं है। अगर हमारा दोष नहीं है और सामने वाले का भी दोष नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं त्रुटि तो है ना। ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना, एक हाथ से नहीं बजती। अगर एक हाथ हटा लो तो दूसरे हाथ से कैसे ताली बज जाएगी? गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी एक उदाहरण दिया करते हैं एक नेत्रहीन का। महाराज जी कहते हैं कि एक नेत्रहीन व्यक्ति रोज जब सड़क पर चलता तो अपने हाथ में एक लालटेन लेकर चलता। तो जब एक सज्जन ने पूछा
कि आप ये लालटेन लेकर क्यों चलते, इसका तो आपके लिए कोई उपयोग ही नहीं है, आप तो नेत्रहीन हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे दिखाई नहीं देता पर सामने वाले को तो दिखाई देता है ना, मैं बच जाऊंगा, दुर्घटना नहीं होगी। अभी एक दिन वो चल रहा था तो उसने देखा सामने से एक व्यक्ति आया और उससे उसकी टक्कर हो गई, और जैसे ही टक्कर हुई उसने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, इतनी बड़ी लालटेन मैं अपने हाथ में लेकर चल रहा हूँ। तो उसने कहा, भाई कौन सी लालटेन, मुझे खुद भी दिखाई नहीं देता, मैं तो खुद ही अंधा हूँ। महर्षि ने कहा, यदि अंधा अंधे से फाइट करेगा, झगड़ा करेगा, तो कैसे सुजान बन पाएगा, कैसे मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता की नेत्रहीनता है जो हमारे जीवन में घर कर चुकी है। सज्जनों, हम किसी दो व्यक्ति अगर वो लड़ रहे हैं, उनमें से किसी एक के पास भी यदि विवेक है, यदि एक भी आत्म जागृति से जुड़ा हुआ है, यदि जागा हुआ है, तो रिश्तों के टूटने की संभावनाएं हो ही नहीं सकती हैं। आज लोगों को, मानव समाज को विवेक की आवश्यकता है सज्जनों, अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। और जब अध्यात्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से जुड़ेंगे तभी हम सही एक्शन कर पाएंगे, और जब हमारा एक्शन सही होगा तभी हमारा रिएक्शन भी सही होगा। सज्जनों, प्रभु श्री राम क्या है, वो राइट एक्शन मैन है, उनका हर एक्शन राइट होता है। लेकिन हमने उनके जीवन चरित्र से क्या सीखा, हमने कोई पारिवारिक मूल्यों को नहीं सीखा, चरित्र को नहीं सीखा, मर्यादाओं को नहीं सीखा, परंपराओं को नहीं सीखा। आओ आज सीखें प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र से, आए आज सीखें प्रभु श्री राम जी के संपूर्ण जीवन चरित्र से जीना कैसे है। क्योंकि यदि परिवार ही नहीं होंगे सज्जनों, तो संस्कार और संस्कृति का जो बीज है वो अंकुरित कैसे हो पाएगा। यदि परिवार ही बिखर जाएंगे, यदि परिवार ही टूट जाएंगे, तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देकर जाएंगे, क्या छोड़कर जाएंगे उनके लिए, केवल डिप्रेशन, केवल अवसाद छोड़कर जाएंगे। हमें सीखना होगा, हमें स्वयं पर नियंत्रण करना आना चाहिए, हमें स्वयं को साधना होगा और प्रेम का पौध लगाना होगा समाज में। अगर ऐसे ही बिखरता रहा समाज तो एक दिन ये समाज जंगल बन जाएगा, वन बन जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ चीखें ही सुनाई देंगी और कुछ सुनाई नहीं देगा। सज्जनों, हमें प्रभु श्री राम जी से सीखें, मर्यादा का पाठ सीखें, और ये भक्त मंडली, ये ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला एक संदेश लेकर आया है। आओ पौधा एक लगाएं अपनों के प्यार का और प्रभु श्री राम जी के मर्यादित पारिवारिक भाव का। आज समाज को ज़रूरत है उस पौधे को लगाने की। यदि ये पौधा लगेगा तो मेरा दावा है, विश्वास है, एक दिन वृक्ष बनेगा और समाज का उत्थान होगा। भीतर को बदलने की आवश्यकता है, और ये ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला क्या संदेश लेकर आया है, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। उपहार है ईश्वर के उपकार का, फिर से रामायण से सीखे चरित्र प्रभु श्री राम का। आओ पौधा एक लगाए, 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 आओ पौधा एक लगाए।
हम जी नहीं पाते हैं। प्रभु निभाना सिखलाते हैं हर नाता जी करके, आदर्श पिता पति राजा और सुपुत्र बनके हुआ है चेहरा कृत। देखो आज हर संस्कार का फिर से रामायण से सीखे चरित्र प्रभु श्री राम का। रामायण से चरित्र प्रभु श्री राम का, उनके गुणों को, उनके आदर्शों को सीखें, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की सच्ची आराधना उनके गुणों को धारण करने में है सज्जनों, उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने में है, चरितार्थ करने में है। और प्रभु श्री राम जी के गुण हमारे जीवन में तभी आएंगे जब हम प्रभु श्री राम जी को तत्व से जान लेंगे, उनको अनुभव कर लेंगे, और जब वो राम तत्व हमारे भीतर प्रकट होगा तभी हमारा जीवन उचित दिशा की ओर बढ़ेगा। इसलिए प्रभु श्री राम जी के उस परम तत्व स्वरूप को जानने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें एक ऐसे पूर्ण सदगुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है जो हमारे भीतर के कपाट खोल दें और हम उस ईश्वर, उस प्रभु को अपने भीतर में देख लें, उनका दर्शन कर लें। और किस प्रकार से रामायण हमें और प्रेरणा देती हैं और प्रभु श्री राम जी का चरित्र और उनके गुण हमें क्या सिखाना चाहते हैं, वो हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। अंत में गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। बोलिए परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की।
बहुत बहुत धन्यवाद। हवे आपणे आरती तरफ આગળ વધીશું તો એને માટે આપણે જે આજના મુખ્ય યજમાનશ્રીઓ છે તેઓને સ્ટેજ પાસે આવીને આજે આરતી માટે આપણે એમને વિનંતી કરીશું। તો આજના મુખ્ય યજમાનો છે તેમાં શ્રીમતી પુષ્પાબેન બિંદલજી ચીડીપાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અમદાવાદથી, શ્રીમતી તેમજ શ્રી મદનલાલ ગુપ્તાજી જીટીએમ ફેબ્રિક્સ મિલ્સ અમદાવાદથી, શ્રીમતી તેમજ શ્રી ઢાલુરામ મંગલાનીજી મણિનગરથી, શ્રીમતી પ્રતિમા સિંહાજી અમદાવાદથી। આજના ઉત્સવ યજમાનશ્રીઓ છે શ્રીમતી તેમજ શ્રી ભરતકુમાર ગુલાબદાસ અગ્રણી વ્યાપારી સરદારનગરથી, શ્રીમતી તેમજ શ્રી ચતુરભાઈ મફાભાઈ સોલંકીજી પાટણથી, શ્રીમતી તેમજ શ્રી વિનોદકુમાર મીણાજી સરસપુર। આજના દૈનિક યજમાનશ્રીઓ છે શ્રીમતી તેમજ શ્રી પ્રકાશ મંગલાનીજી નોબલનગરથી, શ્રીમતી તેમજ શ્રી સંજીવકુમાર દાસજી મોટેરાથી, શ્રીમતી સુચિ રાવતજી જામનગરથી। આજના અતિથિ ગણમાન્ય શ્રીઓ જે આવે ઉપસ્થિત છે તેઓ શ્રી વજુભાઈ વઘાસિયાજી પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લઘુ ભારતી ઉદ્યોગ, શ્રી દિલીપભાઈ કેશવલાલ પબાણીજી નારણપુરાથી, શ્રીમતી રીટાબેન રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ કાઉન્સેલર ચાંદખેડાથી, શ્રી ગોપીરામ ગુપ્તાજી ચેરમેન નારાયણી હાઇટ્સ ભાટથી, શ્રીમતી તેમજ શ્રી પવનસિંહજી સમાજ સેવક, શ્રીમતી તેમજ શ્રી મહેન્દ્રકુમાર ચૌધરીજી કર્ણાવતી જૂટ કંપની અમદાવાદથી, શ્રીમતી તેમજ શ્રી અતુલ મિશ્રાજી સાંઈનાથ કન્સ્ટ્રક્શન ચાંદખેડાથી, શ્રીમતી સંગીતાબેન અગ્રવાલજી, શ્રી ભરતભાઈ કાલિદાસ ગોહેલજી સેટેલાઇટથી, શ્રીમતી તેમજ શ્રી મનોહરલાલ કટારિયાજી અમદાવાદથી, શ્રી એમ વી નારાયણ, શ્રીમતી એવમ શ્રીમતી તેમજ શ્રી અનુપ ગુલાટીજી, શ્રી કુલદીપજી અગ્રવાલ તેમજ શ્રી રાજકુમાર અગ્રવાલજી શ્યામ સેવા ટ્રસ્ટ તરફથી। તો આ બધા જ મહાનુભાવોને નિવેદન કે તેઓ આવીને આરતીને સંપન્ન કરે। જય શ્રી રામ। જગદીશ હરે સ્વામી, જય જગદીશ હરે। ભક્ત જનો કે સંકટ, દાસ જનો કે સંકટ, ક્ષણ મે દૂર કરે હરે। ઓમ જય જગદીશ હરે। જો ધ્યાવે ફલ પાવે, દુઃખ બિન સે મન કા, સ્વામી દુઃખ બિન સે મન કા। સુખ સંપત્તિ ઘર આવે, સુખ સંપત્તિ ઘર આવે, કષ્ટ મિટે તન કા હરે। ઓમ જય જગદીશ હરે। માત પિતા તુમ મેરે, શરણ દહુ મેં કિસકી, સ્વામી શરણ દહુ મેં કિસકી। તુમ બિન ઓર ના દૂજા, પ્રભુ બિન ઓર ના દૂજા, આસ કરું મેં જિસકી હરે। ઓમ જય જગદીશ હરે। તુમ પૂરણ પરમાત્મા, તુમ અંતરયામી, સ્વામી તુમ અંતરયામી। પાર બ્રહ્મ પરમેશ્વર, પાર બ્રહ્મ પરમેશ્વર, તુમ સબકે સ્વામી હરે।
हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया मैं किस विधि मिलो दया मैं तुमको मैं कुमती। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को अर्पण क्या लगे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे हाँ जी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। दास जनों के अवगुण शिवाला दूर करे। हरि ओम जय।